मेरे में मुझे क्या इंटरेस्ट है। बट कहीं ना कहीं अगर देखते हैं तो पेरेंट्स जो है वो बच्चा पैदा होता है तब से उनके दिमाग में चलते रहता है कि मेरे बच्चे को बच्चा क्या बनेगा बड़ा होके, और एनालाइज करना शुरू कर देते हैं कि जैसे बच्चा छोटा होता है और एकदम खिलौने के साथ खेलते खेलते अगर स्क्रू ड्राइवर ले हाथ में आ गया तो पेरेंट्स सोचने लगते हैं कि ये तो देखो इंजीनियर बनने वाला है। अगर बच्चे छोटे होते हैं और बार बार वो डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं ना, वो छोटे खिलौने के किट लेके ना एक दूसरे का वो बीपी मापते हैं, और तो पेरेंट्स को लगने लगता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा क्योंकि उसमें ये इंटरेस्ट दिख रहा है, वो जील दिख रही है। तो हम सब कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस में पूरी पूरा 10-15 साल तक हम बच्चों को ऑब्जर्व करते रहते हैं। एक बार जब स्टूडेंट अब जो बच्चा है वो बच्चे ने समझ लिया कि भाई मेरा इंटरेस्ट साइंस में है या मेरा इंटरेस्ट अकाउंट्स में है या मेरा इंटरेस्ट इंजीनियरिंग में है, तो वो करियर का को आइडेंटिफाई करने में लग जाता है, रिसर्च करने में लग जाता है कि ठीक है मेरे इंटरेस्ट से रिलेटेड कौन सा करियर सूट होगा, कौन सा करियर सूटेबल है, कि अगर मैं फाइनेंस में अच्छा हूं तो मुझे इंजीनियरिंग में जाना चाहिए या मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहिए या मुझे MBA करना चाहिए। तो काफी सारे फील्ड्स उसमें भी होते हैं, तो उसमें काफी सारा रिसर्च होता है, काफी टाइम जाता है, और एक लेवल पे आके ने बच्चा डिसाइड करता है कि भाई ठीक है चलो अभी फाइनली मुझे लगता है कि मुझे ये फील्ड सिलेक्ट करना है। अल्दो कहीं ना कहीं ये इंडिया में देखा गया है कि काफी सारे बच्चे कुछ फील्ड सिलेक्ट कर लेते हैं पर सिलेक्ट करने के बाद में कुछ साल के बाद में बोलते हैं कि नहीं ये मेरे काम की फील्ड नहीं है, ये मेरे लायक की फील्ड नहीं, दिस इज नॉट माय कप ऑफ टी। बहुत इजीली बोल देते हैं कि भाई ये मैं गलत लाइन में आ गया। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अल्दो मैं यहाँ पे मैं करियर प्लानिंग के बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट हम अगर देखते हैं ना कि फॉरेन कंट्रीज में बच्चे स्कूलिंग खत्म होती है ना वैसे कुछ ना कुछ पार्ट टाइम जॉब वगैरह करना शुरू कर लेते हैं। पार्ट टाइम जॉब इसके लिए करते हैं कि पहले तो उनको समझ में आता है कि बाहर की दुनिया क्या है, दूसरा वो अलग अलग काम करते हैं ना तो उनको समझ में आता है कि भाई कौन से फील्ड में उसको इंटरेस्ट, क्योंकि पेपर में पढ़ना, खाली फोटो देखना और एक्चुअली जाके ने काम करने में बहुत फर्क होता है। तो बच्चे खुद एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग चीज में काम करके ने, अलग अलग फील्ड में काम करके, भले ही पार्ट टाइम करते हैं पर उनको पता चलता है कि हाँ ये चीज में मुझे ज्यादा मजा आ रहा है, ये चीज में मेरे को नहीं मजा आ रहा है। तो ये भी एक प्रोसेस होता है बच्चों का वहां पे एक करियर सिलेक्ट करने के लिए। बट कहीं ना कहीं इंडिया में बच्चे ना बहुत ज्यादा पैम्पर्ड भी होते हैं कि नहीं भाई बेटा तू पढ़, जितना पढ़ने का है उतना पढ़, मैं हूँ ना माँ बाप है ना, हम पूरा तेरी फीस वगैरह का देख लेंगे, तेरे को काम करने की जरूरत नहीं है। बट खाली काम बच्चा जो करता है वो खाली फीस के लिए, पैसे के लिए नहीं करता है, पर एक करियर आइडेंटिफाई करने के लिए भी काफी हेल्प होता है। तो कहीं ना कहीं हमको एज अ पेरेंट भी बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले। दूसरा, फॉरेन कंट्री में तो यहाँ तक होता है कि बच्चे लोग को स्कूलिंग के बाद में पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम खुद का ही फाइनेंस देखो, तुमको आगे पढ़ना है तो आप खुद ही अपना फाइनेंस मैनेज करो। और इंडिया में काफी हद तक हम वो सब नहीं करते हैं, हम खुद प्लान करते हैं कि जहां तक जरूरत पड़े बच्चा जब तक सेटल नहीं हो जाता तब तक एज अ पेरेंट हम उसको सपोर्ट करेंगे। फिर जब बच्चा डिसीजन ले लेता है कौन सी फील्ड में जाना है, फिर एक्शन लेने का टाइम आता है। अभी एक्शन जो है वो दो टाइप के एक्शन होते हैं, एक बच्चे की तरफ से एक्शन होता है, दूसरा पेरेंट्स की तरफ से एक्शन होता है। बच्चे की तरफ से ये एक्शन होता है कि बच्चे को ये अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मुझे अगर MBA करना है तो मुझे कैट का एग्जाम लिखना पड़ेगा, मुझे अगर CA बनना है तो मुझे ये CPT का एग्जाम लिखना है, जो भी उनके एंट्रेंस टेस्ट होते हैं उसके लिए करके ने सालों की प्रिपेरेशन करना पड़ता है, और फिर जाके ने वो बच्चे को एडमिशन मिलता है, एंट्रेंस मिलता है कॉलेज में। अब अगर समझो सब डिसीजन हो गया, एंट्रेंस हो गया, एडमिशन मिल रहा है, पर बात आके अटकती है फीस पे। और आजकल अगर आप सबको पता होगा मोस्ट ऑफ द पीपल यहाँ पे अटेंड इसके लिए कर रहे हैं कि हम सबको पता है कि आज और आने वाले कल में एजुकेशन का कॉस्ट कितना बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं
ये हमारी रीच में या शायद हमारी रीच से बाहर भी होगा। तो आज हमको ये भी समझना है कि अगर मुझे इसकी तैयारी करनी है तो हम कैसे इसकी तैयारी करें। तो सबसे हर इतने सालों की जो मेहनत होती है ना बच्चे की, पेरेंट्स की, वो एक जगह पे आके रुक जाती है फाइनेंस पे, कि एडमिशन भी मिल गया पर अगर कॉलेज ने बोला कि भाई फीस है उसकी 50 लाख रुपए, अब हम हमारे पास अगर नहीं है वो रेडी पैसे नहीं है तो हम क्या करेंगे। तो इसी के ऊपर बच्चे का पूरा करियर डिपेंड करता है। और यहाँ पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं बनती है कि खाली पेरेंट्स को ही इसकी तैयारी करनी है, बट कहीं ना कहीं बच्चे को भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर बच्चा चाहे ना तो अपनी पूरी लाइफ का जो एजुकेशन है वो फ्री में भी कर सकता है। अगर वो इतना मेरिट स्टूडेंट हो ना तो हर लेवल पे उसको स्कॉलरशिप्स मिल सकती है और बच्चे के पेरेंट्स को उसके फाइनेंस की फिक्र ही नहीं होगी। तो ये फाइनेंस का जो पार्ट है वो खाली पेरेंट्स के लिए नहीं, ये इक्वली बच्चे भी इसके लिए करके नहीं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल है कि हमको भी अपने आप को प्रूव करना है ताकि हमारे पेरेंट्स पे उतना बर्डन ना हो और कहीं ना कहीं हम अपना एजुकेशन खुद सेल्फ मैनेज भी कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट बात करेंगे कि जो खर्चा है, अब मैं अभी एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल लिविंग एक्सपेंस की बात कर रहा हूँ, अपने जो घर के जो खर्चे होते हैं। आज हम ये जो एजुकेशन की जो बात कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन में फाइनेंशियल प्लानिंग की बात कर रहे हैं, फाइनेंसिंग एजुकेशन की, ये आज से 20, 25, 30 साल पहले ये सब चीज नहीं थी। कहीं ना कहीं हमको लगता होगा कि भाई हमारे पेरेंट्स लोगों ने तो कभी ये फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में नहीं सोचा था, इतना रिगरसली प्लान नहीं किया था या इतना ज्यादा कंसर्न नहीं थे कि भाई आगे आने वाले कॉस्ट का हम कैसे पूरा करेंगे। बट आज हम क्यों ये अलग अलग प्लेटफॉर्म पे फाइनेंशियल प्लानिंग और एजुकेशन प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पहले का टाइम और था और आने वाला जो कल है, आज और आने वाला कल जो है ना, वो इस तरह से होगा कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। हमारी जो लाइफ इतनी बदलने वाली है, बदल रही है और बदलने वाली है कि हम शायद उसका सोच भी नहीं सकते। अब उसका एग्जाम्पल एक देता हूं आपको। अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर अपना जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है, अगर मैं आज की बात करूं, 2019 की बात करूं, कि हर महीने हमारे घर का कितना खर्चा होता है। अब मेरे हिसाब से मैंने एक रेंज डाला है, 50,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का खर्चा हर महीने का होता है। हो सकता है कुछ लोगों को ये बहुत ज्यादा भी लगे, पर अगर आप अंदाजा लगाओ, अगर कोई मेट्रो सिटी में अगर आप रहते हो और अगर आप भाड़े पे रहते हो ना रेंट पे, तो आपका भाड़ा ही 15,000 से 20,000 रुपए होता है। आजकल स्कूल की फीस होती है ना एक बच्चे की कम से कम महीने के 5,000 से 10,000 रुपए की फीस होती है। ऑन एन एवरेज 2 बच्चे है तो वही अपने 15,000-20,000 रुपए तो स्कूल की फीस हो गई है, रेंट हो गया, खाने पीने का हुआ, दवाई के खर्चे हुए, इंश्योरेंस के खर्चे हुए, तो ये सब अगर आप ऐड करोगे ना तो आपका महीने का खर्चा कम से 50,000 से 1 लाख रुपए हो ही जाता है। अगर ये जो है, और हो सकता है कि अपन अगर छोटे कोई टाउन में है तो वो टाउन के अंदर 25-30 हजार में भी काम चल जाएगा, बट मैं एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूं। अभी अगर मैं बोलूं कि आज से 20 साल पहले यानी 1999 की बात कर रहा हूं, उस टाइम पे अपनी वही फैमिली का खर्चा कितना था, उसी वही फैमिली जो है, अगर हम अपने खर्चे की बात करते हैं कि समझो 20 साल पहले मेरे घर का खर्चा अगर कितना था, आज 50,000 है या 50,000 से 1 लाख रुपए है, तो 20 साल के पहले वही फैमिली का खर्चा 5,000 से 10,000 में पूरा हो जाता था। ओके, 5,000 से 10,000 में आपका घर का महीने का खर्चा पूरा हो जाता था। और मैं अगर और 20 साल पीछे जाऊं ना, 1979 की अगर बात करूं, तो अपने घर का खर्चा महीने का 500 से 1,000 रुपए में घर का खर्चा पूरा होता था। ये सोचने वाली बात है, आप सब लोगों को आपको सोचना है कि इसमें क्या कॉमन फैक्टर क्या है, कि यहाँ पे हर 20 साल में क्या हो रहा है। हर 20 साल में खर्चे में ना एक जीरो बढ़ता है,
आपका जो एक्सपेंस होता है ना उसमें एक जीरो बढ़ता है या तो बोलो कि 10 गुना आपका खर्चा बढ़ जाता है। तो अगर आज आपका खर्चा 2019 के अंदर 50,000 से 1,00,000 रुपए है ना, तो 2039 के अंदर आपका खर्चा 5,00,000 से 10,00,000 रुपए महीने का होगा। आज हम 5 से 10,00,000 रुपए साल के कमाने की बात नहीं कर रहे, पर 20 साल के बाद में आपके महीने का खर्चा ही 5 से 10,00,000 रुपए होगा। इस हिसाब से आपका खर्चा बढ़ रहा है। और अगर मैं बोलूं ना कि अगर ये पैटर्न से अगर आपका जो रेगुलर खर्चा बढ़ रहा है ना, तो इसका जो फुगाव बोलते हैं ना, इन्फ्लेशन बोलते हैं, वो अप्रोक्सीमेटली 12% का इन्फ्लेशन होता है। अपना जो घर का जो खर्चा होता है ना, हर साल 12% से बढ़ता है। तो ये बहुत ही ज्यादा सोचने की बात है, बहुत ही ज्यादा फिक्र करने की बात है, क्योंकि ये चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हम इंडिया में है, हम जहां पर भी रहते हैं, ये इन्फ्लेशन तो रहने ही वाला है, हम इससे दूर नहीं भाग सकते, पर इसको हमको कहीं ना कहीं पॉजिटिवली फेस तो करना ही पड़ेगा। तो इसकी हम तैयारी कैसे करें? अभी अगर मैं आपको एजुकेशन, ये नॉर्मल खर्चे की बात बता रहा हूँ, अगर मैं एजुकेशन की बात बताऊं ना, तो बोलते हैं ना कि हेल्थ और एजुकेशन आपके रोजिंदा खर्चे से ज्यादा फास्ट ग्रो बढ़ता है। तो उसका मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये जो IIMs है ना, MBA की जो कॉलेज है, जो टॉप इंडिया की कॉलेज है, IIMs, IIM अहमदाबाद, IIM बैंगलोर और कैलकटा, मैंने एक इसका डेटा निकाला था 2009 में। IIM A की जो फीस थी वो 4,00,000 रुपए थी, और 2019 में IIM A की फीस होगी 22,00,000 रुपए। तो आप अगर देख रहे हैं कि ये 10 साल के अंदर 4,00,000 का 22,00,000 हो गया है, यानी कितना परसेंट खर्चा बढ़ा साल का, 18% के आसपास हर साल फीस बढ़ रही है। IIM बैंगलोर में थोड़ा कम रेट से बढ़ा है, 14-15% से बढ़ा है। IIM कैलकटा का भी सेम हाल है, 18% के हिसाब से बढ़ा है। अगर 18% इतना फास्ट अगर एक्सपेंसेस एजुकेशन का कॉस्ट बढ़ रहा है, तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे? इसके लिए करके ने आज जो है एजुकेशन प्लानिंग बहुत ही ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट हो गई है अपनी लाइफ में। और ये जो एजुकेशन प्लानिंग है ना, ये एजुकेशन प्लानिंग बच्चा जब 5th, 6th में या 10th में आया ना, तभी करना नहीं है। ये तो बच्चा जब पैदा होता है या इवन बिफोर दैट, उसके पहले से ही पेरेंट्स को इसकी प्लानिंग करने की जरूरत पड़ती है। अभी है ना, आपके सामने एक छोटा एक चार्ट बनाया हुआ है, एक बच्चे की जो एजुकेशन लाइफ होती है, बच्चा पैदा होता है और जो पोस्ट ग्रेजुएशन करता है तब तक के लिए। अगर हम एक छोटा एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मैंने एक अंदाजे से एक फिगर्स डाला हूं मैंने, कि बच्चा जब पैदा होता है ना, तो पहले 2 साल कोई खास ऐसा स्कूल एजुकेशन का खर्चा नहीं होता है। फिर जब 2 साल का होता है ना, उसके बाद में जैसे प्ले स्कूल वगैरह में डालते हैं, तो उसका 50,000 रुपए का खर्चा होता है। अभी आप पहले कॉलम में देखेंगे ना, तो ये खर्चा क्या है, आज का खर्चा है। पर अगर मेरा बच्चा अगर अभी बॉर्न हुआ है और 2 साल के बाद में अगर वो प्ले स्कूल में जाएगा, तो आज अगर 50,000 रुपए है ना, तो वो उस टाइम पे मेरे को 50 नहीं, मेरे को 60,000 रुपए देना पड़ेगा, क्योंकि हर साल फीस इन्फ्लेट हो रही है, बढ़ रही है। उसी तरह से नर्सरी है, तो 75,000 मैंने अंदाजा ना एकदम ऊपर का खर्चा लिया हूं और एकदम बॉटम का भी नहीं लिया हूं। जैसे नर्सरी है तो 75,000 का 1,00,000 हो जाएगा, लोअर केजी है 75 का 1,10,000 हो जाएगा। ऐसा हर साल का मैंने खर्चा लिया हूं यहाँ पे। और जैसे क्लास 1 है, फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा गया, तो 1,00,000 रुपए होता है, जिसका जब बच्चा एक्चुअली फर्स्ट में जाएगा तो 1,77,000 हो जाएगा। ये भी मैंने अंदाजे से 10% का, मैंने वो भी 18-20% का मैंने इन्फ्लेशन नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे खाली 10% का लिया है। और ये मैंने 1,00,000 रुपी जो है साल की फीस, ये मैंने एवरेज स्कूल की फीस ली है। अगर अपन कोई इंटरनेशनल IB करिकुलम की अगर कोई स्कूल की फीस लेते हैं, तो यहाँ पे कम से कम 4 से 5,00,000 रुपए तो फर्स्ट क्लास में ही आ जाएगा।
अभी जैसे पहली क्लास से लेके ने फोर्थ क्लास तक जैसे प्राइमरी स्कूल है, फिर सेकेंडरी में थोड़ा खर्चा बढ़ता है, 1,25,000 हो गया। फिर जूनियर कॉलेज में अगर अपन जाते हैं तो 1,50,000 रुपए साल का होता है। इसमें डेफिनेटली ऊपर नीचे होगा, मैं खाली एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। अब अगर कोई बच्चा इंजीनियरिंग कर रहा है या कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो साल का 2,00,000-3,00,000 रुपए आज के हिसाब से। अगर बच्चा ग्रेजुएशन अगर 2,00,000 है ना अगर 18 साल के बाद में, तो वही 2,00,000 आज के हिसाब से 18 साल के बाद कम से कम 10 से 12 लाख रुपए हो जाएगा, कम से कम भी अगर गिने तो। अगर बच्चे को कुछ पीजी करना है ना, तो अगर आज 15 लाख रुपए होता है ना साल का पीजी में, जैसे अगर आईआईएम की बात करते हैं, तो वो टाइम पे 1,22,00,000 रुपए हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएशन का। तो ये हर चीज अगर हम ऐड करें ना, एक बच्चे की लाइफ का एजुकेशन अगर हम ऐड करें ना, तो टोटल जो 23 साल तक का जो एजुकेशन है पोस्ट ग्रेजुएशन में, मिनिमम अपना 55 लाख रुपए का खर्चा हो रहा है, 55 लाख रुपए आज के हिसाब से। और अगर मैं इसी को अगर फ्यूचर के हिसाब से देखूं ना, कि अगर इसके हिसाब से अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर कॉस्ट बढ़ रहा है, तो अगर उसको अगर मैं फ्यूचर कॉस्ट को देखूं ना, तो कम से कम 3.5 करोड़ रुपए हम बच्चे के, एक बच्चे के एजुकेशन के पीछे डालने वाले। पूरे लाइफ का जो एजुकेशन है प्ले स्कूल से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का, हम कम से कम 3 से 3.5 करोड़ रुपए का खर्चा करने वाले हैं, वो भी अगर हम एवरेज स्कूल की बात करें तो। अब ये हमको है ना, ये चीज का अंदाजा कभी नहीं होता है, हम रियलाइज नहीं करते, क्योंकि हर साल थोड़ा थोड़ा पैसा जाता है ना जेब से, तो हमको नहीं पता चलता है। पर अगर ये पूरे हर कॉस्ट को अगर हम एक ही टेबल में डाल के देखें ना, तो पता चलेगा कि 3.5 करोड़ एक बच्चे के पीछे हम एजुकेशन में खर्चा करने वाले। तो ये बहुत ही बड़ा टास्क है हमारे लिए, जिसके लिए हमको तैयारी करना बहुत जरूरी है। अभी जब हम बोलते हैं कि कैसे ये तैयारी करना है, तो हम कैसे तैयारी करें, अभी अगर मैं बोलूं कि ये जो पूरा जो खर्चा है ना, ये 3.5 करोड़ का जो ये इतने 23 साल का जो खर्चा है, अगर आज मैं बोलूं कि अगर समझो मेरे घर में आज अगर बच्चा कोई पैदा हुआ, एंड मेरे पास अगर लमसम में एक साथ में अगर वो बच्चे के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अगर मेरे को पैसे अगर साइड में रखने के हैं, जिससे कि ये पूरे आगे आने वाले खर्चे वही पैसे से पूरे हो जाए, तो मैंने ना एक कैलकुलेशन यहाँ पे करके रखा है कि समझो अगर मैं मेरा पैसा फिक्स्ड, जैसे सेविंग्स अकाउंट होता है ना, जैसे 4% अपने को रिटर्न मिलता है, 4 के आसपास रिटर्न मिलता है, तो अगर मैं मेरा इन्वेस्टमेंट, अगर मैं मेरे सेविंग्स जो है वो मैं 4% के हिसाब से अगर मेरे को रिटर्न मिलता है सेविंग्स के ऊपर, तो आज मेरे पास कम से कम 1.5 करोड़ 1,60,00,000 रुपए मेरे पास है, तो मैं मेरे आगे आने वाले बच्चे के फ्यूचर के लिए मैं तैयार हूँ, खर्चे के लिए मैं तैयार हूँ। अगर मेरे पास 1.60 करोड़ रुपए नहीं है, पर मैं बोलता हूँ कि ठीक है भाई, हर महीने मेरी इनकम में से मैं कुछ ना कुछ साइड में रखूंगा, मैं कुछ ना कुछ बचाऊंगा, तो उसके हिसाब से आपको 89,000 रुपीज हर महीने आज से लेके बच्चे के 23 साल तक आपको हर महीने 89,000-90,000 रुपीज सेव करना पड़ेगा। बट ये बात हुई अगर मैं ये 4% का रिटर्न मिला, तो अगर मैं इस तरह से इन्वेस्ट करता हूं कि मुझे 6% का रिटर्न मिलेगा, तो मुझे 1.5 करोड़ की जगह पे मुझे 1.10 करोड़ या 1.11 करोड़ में मेरा काम हो जाएगा। अगर मेरे पास लमसम नहीं है, तो मैं 73,000 हर महीने अगर साइड में रखूंगा, 6% का रिटर्न मिलेगा, तो मेरा वो गोल पूरा हो जाएगा। अगर 8% है, तो 77 लाख आज की तारीख में मेरे को जरूरत पड़ेगी, नहीं तो अगर महीने का करना है तो 60,000 हर महीने का। आप देख रहे पैटर्न, देख रहे कि जैसा रिटर्न बढ़ता है ना, वैसा आपके इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट कम हो रही है। 4% था तो 90,000 हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर मैं 10% का रिटर्न मेरे को मिलता है ना, तो मेरे को खाली 49,000 हर महीने इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और वहां पर ही अगर मुझे 15% रिटर्न मिलता है ना मेरे इन्वेस्टमेंट पे, तो मेरे को महीने का खाली 30,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा मेरे एक बच्चे के फ्यूचर के लिए। 30,000
या तो फिर अगर मेरे पास एक साथ में बच्चा बॉर्न हुआ वो टाइम पे 25 लाख रुपए अगर मैंने साइड में रख दिया, अगर मेरे पास है 25 लाख और वो बच्चे के फ्यूचर के लिए मैंने 25 लाख रख दिया, तो वो पूरा 25 लाख मेरे बच्चे के आगे आने वाले एजुकेशन के खर्चे में पूरा पड़ जाएगा वो, बट सब्जेक्ट टू मेरे को रिटर्न जो है वो कम से कम 15% साल का आना चाहिए। हो सकता है बहुत लोग के दिमाग में होगा क्वेश्चन कि भाई 15% कौन देगा, 12 कौन देगा, 10 कौन देगा, जो भी है। मैं यहाँ पे कोई स्कीम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि आप खाली ये लॉजिक समझो कि आप अगर आपका पैसा अगर सेविंग्स अकाउंट में रखते हैं या आप फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं तो आपको कितना इन्वेस्ट करने की जरूरत पड़ेगी। अगर आप थोड़ा ज्यादा रिटर्न के इंस्ट्रूमेंट में डालते हो तो आपको कम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कम इन्वेस्टमेंट में भी आपके बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पे कोई स्कीम के बारे में नहीं बात करूंगा, जैसे कि भाई ये फंड है या ये पॉलिसी है ये, मैं आपको खाली आप खुद डिसीजन ले सके, मैं उस टाइप का मैं आपसे नॉलेज शेयर करूंगा ताकि कल को आप आपके हिसाब से आपका इन्वेस्टमेंट्स प्लान कर सके। अभी जब आप यहाँ पे इतना सारा जो पैसा देखते हैं कि भाई मुझे 1 करोड़ या 50 लाख या इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा लमसम, या तो फिर महीने का 90,000 या 50,000 या जो भी है, अब ये फिगर देख के तो कुछ लोगों को लगेगा कि मैं महीने का 50,000 तो कमाता हूँ और 50,000 मैं अगर एक बच्चे के एजुकेशन के पीछे खाली सेव करने बैठू और मेरे घर में तो 2 या 3 बच्चे है तो मेरे को कितना बहुत सेव करना पड़ेगा। तो अभी ये इतना बहुत अगर सेव करना है तो उससे अच्छा तो मैं ये एजुकेशन के बारे में सोचना ही बंद कर दूं, क्योंकि काफी सारे लोग है ना ये फिगर देखने के बाद में अगर कोई जिसकी शादी नहीं हुई है ना या फिर जिसकी शादी हुई है और बच्चे प्लानिंग कर रहे हैं ना तो ये फिगर देख के ना शायद से वो दोबारा सोचेंगे कि हमको एक्चुअली कितने बच्चे प्लान करने चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में ना अपनी विश नहीं है ये, हमको कितने बच्चे हमारे हमको प्लान करनी चाहिए वो अपने फाइनेंस पे पूरा डिपेंड करता है। अभी अगर हमको कहीं ना कहीं अगर लगता है ना कि ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ा फिगर है, ये मेरे मेरी रीच में नहीं है, तो ये सोचने के पहले ना हाजरी माम की अपन एक स्पीच देखते हैं। हाजरी माम बोलते हैं कि यू कैन हैव नथिंग इन योर पॉकेट and only the clothes and the shoes you wear, but if you have a well-educated mind, you will be able to seize the opportunities life offers you and start all over again. Hazri Imam बोलते हैं कि अगर आपके पास पहनने को अगर खाली कपड़े हैं, खाने के लिए अगर जेब में कोई पैसा नहीं है, बस खाली आपके पास खाली शूज है और कपड़े है और कुछ नहीं है आपके जेब में, 1 रुपया नहीं है, पर अगर आपके पास एजुकेशन होगा तो आप कभी भी भूखे नहीं सोएंगे, आप कभी भी स्क्रैच से जीरो से आप एकदम ऊपर जाने की कैपेबिलिटी आप में होंगी अगर आपके पास प्रॉपर एजुकेशन है तो ये चीज तो हमको कभी सोचना ही नहीं है कि भाई एजुकेशन प्लान करना भी है या नहीं है, क्योंकि ये इसका जो एक रिजल्ट होता है ना, अगर कोई सही एजुकेशन लेता है ना तो नो मैटर अपन कितना बहुत खर्चा करते हैं, हम लाखों करोड़ों रुपए अगर एजुकेशन के पीछे खर्चा करते हैं तो आप देखेंगे कि उसका बाद में आने वाले टाइम में जो रिजल्ट होता है वो हम अंदाजा नहीं लगा सकते, इतना अच्छा रिजल्ट होता है। अभी थोड़े न्यूज में से हमने पिक लिया है कि आईआईटी हैदराबाद में एक स्टूडेंट को फ्रेशर जो फर्स्ट पहली जॉब उसको जो मिल लगी, गूगल कंपनी ने उसको हायर किया 1 करोड़ 20 लाख के पैकेज में, सैलरी में उसकी पहली जॉब लगी आईआईटी हैदराबाद में, हैदराबाद से। 2018 में आईआईएम कैलकटा का एक बच्चे को 75 लाख रुपीस की सैलरी पे कंपनी ने पिक किया था। TISS जो टाटा इंस्टीट्यूट जो है मुंबई, उसका जो एवरेज जो सैलरी है, मीडियन सैलरी, वो 18.5 लाख का जो फ्रेशर जो स्टूडेंट होता है ना उसके लिए।
जैसे वो पढ़ाई करके बाहर निकला और एवरेज सैलरी सबकी यानी 18.5 सबको नहीं मिलता है, यानी किसको 40 लाख भी मिला होगा, किसको 50 भी मिला होगा और किसको 10-12 लाख रुपए भी मिला होगा। ये यहाँ पे एवरेज सैलरी की बात हो रही है, 18.5 लाख रुपया। तो हम अगर खर्चा करते हैं ना तो सामने अपने को उसका रिटर्न भी मिलता है और कई गुना ज्यादा रिटर्न मिलेगा उसका। अब बात आती है कि एजुकेशन को हम फंड कैसे करें। एजुकेशन को अगर हमको फंड करना है ना तो सबसे अच्छा तरीका, सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो है स्कॉलरशिप का ऑप्शन। अगर बच्चा अगर ये समझता है कि भाई मुझे मेरा फ्यूचर बनाना है और अगर मैं अगर मेहनत नहीं करूंगा और अगर मैं सही तरह से मेरिट नहीं बनूंगा, मेरिट रिजल्ट नहीं लाऊंगा, तो कहीं ना कहीं मैं स्कॉलरशिप्स, इतने सारे स्कॉलरशिप ऑप्शंस होते हैं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा और मैं लैक ऑफ फंडिंग की वजह से जो मैं एजुकेशन करना चाह रहा था। हमने कई बार सुना है कि भाई वो बच्चे को एडमिशन मिल गया, वो कुछ कुछ लोग बोलते ना कि मैं डॉक्टर बनते बनते रह गया, मैं सीए बनते बनते रह गया। कुछ लोग पढ़ाई नहीं करे इसके लिए, लोगों के पास पैसा नहीं था इसके लिए उन लोगों को आगे पढ़ने का मौका नहीं मिला। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि अगर हम अगर पढ़ते हैं ना, अगर हम अपनी कैपेबिलिटी दिखाते हैं एज ए स्टूडेंट, तो काफी सारी ऐसी इंस्टीट्यूशन है, अपनी खुद की संस्था है, गवर्नमेंट के काफी सारे स्कीम है, पर वो उन्हीं उन्हीं लोगों को स्कॉलरशिप देते हैं कि जो खुद पढ़ाई में सीरियस हो और जो खुद पढ़ाई में इंटरेस्ट दिखाता है। क्योंकि जिसका खुद का रिजल्ट नहीं होता है अच्छा, तो क्यों सामने वाला उसको स्कॉलरशिप देगा। उसको खुद को उनको पता है कि भाई ये बच्चा खुद डिजर्व नहीं करता है और ये बच्चे को खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो हम उसको पैसा देंगे तो भी वो बच्चा आगे पढ़ने वाला नहीं है। तो जब तक बच्चा वो इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा, बच्चा वो जील नहीं दिखाएगा, तब तक उसको स्कॉलरशिप के लिए वो एलिजिबल ही नहीं हो पाएगा। और ये स्कॉलरशिप इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू गो फॉर द हायर स्टडीज। दूसरा, अगर समझो हम 1 या 2 मार्क या 3 मार्क के लिए या परसेंटेज के लिए रह गए और हो सकता है कि शायद हम स्कॉलरशिप, क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई दुनिया में हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता है, एक ही फर्स्ट आएगा, दूसरा सेकंड आएगा, तीसरा थर्ड आएगा। तो बट आज कंपटीशन इतनी हो गई है कि मैं एक दो दिन पहले न्यूज में देख रहा था कि कोई कॉलेज में एडमिशन के लिए कट ऑफ चल रहा है और कट ऑफ जो है ना, फर्स्ट कट ऑफ 98% या 99% पे कट ऑफ हो गया। हम जब 15-20 साल पहले जब हम स्कूल में पढ़ते थे ना, तो वहां पे कॉलेज में अगर गए ना तो वहां पे 60-65-70% पे कट ऑफ होता था। आज की तारीख में यहाँ पे 95% के नीचे तो शायद एडमिशन ही नहीं मिलता है अच्छी कॉलेज के अंदर। अगर 95% भी आया तो सेकेंड या थर्ड या फोर्थ कट ऑफ में हमारा नाम आता है। तो आज कंपटीशन ऐसी हो गई है कि 98-99% लाने वाले भी काफी लोग हैं कि जिसकी वजह से कट ऑफ हो रहे। तो आज जो है, अगर हम स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं हुए तो हमको सेल्फ फंडिंग पे डिपेंड रहना पड़ेगा कि हमने कितना पैसा जमा किया है, तो वो हमको हमारे जेब से पैसा निकालना पड़ेगा। उसके लिए करके बच्चों को भी और पेरेंट्स को भी मिलके ये काम करना पड़ेगा। तो सेल्फ फंडिंग, अगर स्कॉलरशिप पे हम कंप्लीटली डिपेंड नहीं रह सकते, अगर नहीं मिली स्कॉलरशिप तो ये प्लान ए है, समझो अपना प्लान ए है और ये है हमारा प्लान बी, कि अगर प्लान ए अगर हमारा नहीं चला तो प्लान बी के लिए हम रेडी रहने चाहिए कि हमारे पास उतने पैसे होने चाहिए कि बच्चे के एजुकेशन के लिए पूरे हो जाए। इन केस अगर प्लान बी भी काम नहीं किया तो प्लान सी यानी लोन ऑप्शंस भी अवेलेबल होते हैं। तो पढ़ना है तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स तो मिल ही जाएगा, या तो स्कॉलरशिप, या तो खुद के फंड से आप पे कर दो, या तो फिर लोन्स, काफी सारी लोन्स होती है, उसके बारे में भी मैं थोड़ा ब्रीफ दूंगा इसके बाद लोन के ऊपर। पहले हम देखते हैं कि भाई सेल्फ फंडिंग के क्या क्या ऑप्शंस है। अब उसके पहले, ऑप्शन देखने के पहले हम देखते हैं कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है। हम है ना अपनी लाइफ में
जो दुनिया का जो आठवां अजूबा है, हम सात अजूबे जानते हैं कि दुनिया के सात अजूबे क्या है, पर आठवां अजूबा है ना हम छोड़ देते हैं। सात अजूबे जो होते हैं ना, जिसको देखने के लिए करके ना अपने को पैसा खर्चा करना पड़ता है, पर आठवां अजूबा जो है ना वो आपको खर्चा करने की जरूरत नहीं, आपको फायदा करा के देगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग जो है ना उसको बोलते हैं दुनिया का आठवां अजूबा। वो ऐसा करामात करता है कि आप जितना जल्दी और जितने लंबे समय के लिए अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो आपके खुद के फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, उतना ज्यादा वो आपको रिटर्न और फायदा करा के देगा। वो यहाँ पे है ना अपना एक एग्जाम्पल है, अगर कोई 5,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करता है 5 साल के लिए, और उसका रिटर्न जो है महीने का 15%, साल का 15% का रिटर्न मिलेगा उसको, अगर ऐसी चीज में डालता है जहां पे उसको साल का 15% का रिटर्न मिलेगा, तो उसका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? उसका टोटल 5,000 हर महीने 5 साल के लिए, वो आदमी ने 3 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। अगर उसको 15% के हिसाब से रिटर्न मिलता है ना कंपाउंडिंग, तो उसका 5 साल के बाद में उसके पास होगा 4,36,000 रुपए। यही चीज अगर वो आदमी 10 साल तक अगर करता है ना इन्वेस्ट, तो वो 6 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, उसने डबल इन्वेस्ट किया। डबल इन्वेस्ट करने का उसका जो फंड जो है, कॉर्पस है, वो डबल हुआ, 4.5 लाख का 9 लाख हुआ, नहीं ये 3 गुना हो गया, 4 लाख के जगह पे ये हो गया 13 लाख रुपया। इन्वेस्टमेंट मैंने डबल किया, 3 लाख का 6 लाख किया, क्योंकि मैंने 5 साल की जगह पे 10 साल तक इन्वेस्ट किया, तो मेरा जो टोटल जो मेरी पोर्टफोलियो जो बनेगा ना, वो 4 की जगह पे 8 नहीं बनेगा, 4 की जगह पे 13 बनेगा। अगर मैं 10 साल का देखूं कि 10 साल और 20 साल को अगर अपन कंपेयर करते हैं, तो मैं अगर 10 साल के लिए इन्वेस्ट करता हूं तो 13 लाख बनता है, अगर मैं वही चीज अगर 20 साल तक कंटिन्यू करता हूं ना तो 66 लाख बनता है, 5 गुना ज्यादा। ये डबल ना, 10 साल का मैंने 20 साल डबल इन्वेस्ट किया, 6 लाख का मैंने 12 लाख इन्वेस्ट किया, पर मेरा इन्वेस्टमेंट बना कितना? 13 लाख की जगह पे यहाँ पे 66 लाख बन गया, 5 गुना बढ़ गया। इसका एक ही लॉजिक है, इसका एक ही मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हम जितने लंबे समय से तक इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना ज्यादा आपका पैसा आपको कमा के देगा। बहुत लोग क्या करते हैं कि बच्चा जब छोटा होता है या बर्थ होता है बच्चे का, तो वो टाइम पे उसके फ्यूचर एजुकेशन के बारे में हम नहीं सोचते हैं। जब बच्चा 7th 8th 9th में जब आता है ना, तब जाके ने पेरेंट्स को ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे अभी बच्चे के अभी बच्चा हायर एजुकेशन के लिए करके उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो मुझे उसके लिए करके ने थोड़ा सेविंग करना पड़ेगा। बट आप बात समझो कि अगर आप खाली 5 साल सेविंग करते ना, तो आपके पास 4 लाख ही रहेंगे, पर वही चीज अगर आपने 20 साल तक किया है ना, तो आपके पास 60-70 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। तो आप जितना जल्दी, जितना ज्यादा और जितना लंबे समय तक अगर आप इन्वेस्ट करेंगे ना, तो उसमें आप ही का फायदा होगा, और इसी में पावर ऑफ कंपाउंडिंग है। जितना लंबे समय तक इन्वेस्ट करेंगे ना, उतना ही ज्यादा पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करेगा, उतना ही ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा आपको कमा के देगा। मैं देख रहा हूँ थोड़े क्वेरीज आ रहे हैं, तो मैं आपको अभी इन बिटवीन में मैं नहीं दे पाऊंगा जवाब, बट अपना अलग से क्वेश्चन आंसर सेशन होगा, तो अपन उसके अंदर आपके क्वेरीज भी आंसर करने की कोशिश करेंगे। अब आया यहाँ पे अपने सेविंग्स ऑप्शन कि अगर मुझे इन्वेस्ट करना है, तो काफी सारे ऑप्शन मेरे सामने मुझे दिखते हैं, पर क्या कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सूटेबल है? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि सेविंग्स अकाउंट है, तो सेविंग्स अकाउंट में अगर अपन पैसे डालते हैं ना, तो 3.5% से 6%, 3.5% से 6% का रिटर्न अलग अलग बैंक देती है। जैसे नॉर्मल अपनी जो बैंक है वो 3.5% ही देती है, पर जो कुछ बैंक है जैसे कोटक बैंक वगैरह है, वो कुछ 6% तक भी रिटर्न देती है। अपने डीसीबी के अंदर भी ऑप्शन है कि आप सेविंग्स अकाउंट में पैसे डालो, और थोड़े पैसे अगर 15-20 हजार का कुछ लिमिट होता है, अगर उसके ऊपर अगर पैसा
ज्यादा अगर डिपॉजिट हो गया ना तो डायरेक्टली वो लोग फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर देते जहां पे आपको 7-8% भी मिल सकता है। सेविंग्स अकाउंट में कोई लॉक लॉक नहीं होता है, पैसा अपने को कभी भी डाल सकते हैं, कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें अपने को कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है। देखो टैक्स की जब बात होती है ना तो हम जब इन्वेस्ट करते हैं तभी तब की टैक्स बेनिफिट, इसमें जो रिटर्न आता है उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या, और हम जब विड्रॉ करते हैं उसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है क्या, वो हमको समझना जरूरी है। तो सेविंग्स अकाउंट में हमको जनरली कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलता है एंट्री करने पे। हाँ जब हम इंटरेस्ट मिलता है ना इसके ऊपर, जो इंटरेस्ट होता है ना वो साल का 10,000 रुपए तक हमको टैक्स फ्री होता है। एक सेक्शन होता है ATTTA बोल के एक सेक्शन होता है, उसके अंदर 10,000 तक अपने को टैक्स में छूट मिलती है साल का। और हम जब विड्रॉ करते हैं उसमें फिर, क्योंकि ऑलरेडी जो इंटरेस्ट हो गया उस पर हम सालाना टैक्स भर देते हैं ना, तो उसमें फिर एग्जिट पे टैक्स नहीं लगता है। और जनरली हम सेविंग्स अकाउंट में क्या मोड में इन्वेस्ट करते हैं, हम लमसम मोड में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट जो है 7-9% के बीच में रिटर्न मिलता है। 3 महीने से 5 महीने तक का टर्म होता है, 5 साल तक का टर्म होता है। इसमें है ना, जब जो हम 5 साल की फिक्स डिपॉजिट लेते हैं ना, इसमें अपने को ATC का जो सेक्शन जो है ना, ATC जिसके अंदर एंट्री पे टैक्स बेनिफिट मिलता है, वो ये 5 साल के डिपॉजिट पे मिलता है। इंटरेस्ट पे कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, पूरा इंटरेस्ट पे अपने को टैक्स लगेगा, और एग्जिट पे भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है। और इसमें भी अपने को इन्वेस्ट करना है तो लमसम करना पड़ेगा। पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट होता है, पोस्ट ऑफिस में भी काफी सारे स्कीम्स होते हैं सेविंग्स के, जो अराउंड 7.3% का रिटर्न देता है। ये 5 साल के लिए करके ना आपका पैसा रोक लेता है। इसमें नो टैक्स बेनिफिट, एंट्री पे भी टैक्स बेनिफिट नहीं है, रिटर्न पे भी नहीं है, इस पे भी टैक्स लगेगा, एग्जिट पे भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, और ये मंथली मंथली अपने को इन्वेस्ट करना है। पोस्ट ऑफिस NAC नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो बोलते हैं, वो 8% का कुछ रिटर्न मिलता है। ये भी 5 साल के लिए लॉक हो जाता है पैसा, इस पे भी आपको ATC का बेनिफिट मिलता है। इंटरेस्ट जो है वो टैक्सेबल होता है, एग्जिट पे भी कोई टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसको भी लमसम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। PPF जो है ना, बहुत ही अच्छी एक स्कीम है, जो भले अपने को रिटर्न बहुत ज्यादा नहीं आता, यहाँ पे भी 8% आता है, और ये पैसा भी जो है अपना 15 साल के लिए पैसा अपना लॉक हो जाता है। पर अगर अपन बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए अगर हम सोचते हैं तो ये काफी अच्छी स्कीम होती है उन लोगों के लिए जिसका जो हाई टैक्स ब्रैकेट में ना, जिसकी जो सालाना इनकम जो 10-15-20 लाख रुपए के ऊपर है, जो खुद 30% के टैक्स में आते हैं, तो उन लोगों के लिए अच्छी स्कीम होती है, क्योंकि इस पे एंट्री पे भी टैक्स बेनिफिट मिलता है, इंटरेस्ट भी टैक्स फ्री होता है, और एग्जिट पे भी कोई टैक्स नहीं लगता है, और इसमें हम साल का साल साल को इन्वेस्ट कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में KVP बोल के और एक स्कीम होती है, किसान विकास पत्र, जो 7.7% का रिटर्न देती है। 9.3 इसकी जो खासियत होती है ना, वो ये है कि 9.3 इयर्स में, यानी 3 से 4 महीने में वो आपका जो पैसा होता है वो डबल करता है। तो वो कुछ खास कोई अपने को रिटर्न नहीं मिलता है, क्योंकि नॉर्मली फिक्स डिपॉजिट भी वही काम करती है, बट आपके पैसे को डबल होने के लिए अराउंड 9-9.5 साल लग जाते हैं, और इसमें कोई टैक्स बेनिफिट भी नहीं मिलता है, और आपको इसमें लमसम इन्वेस्ट करना पड़ता है। सुकन्या समृद्धि बोल के जो खाली गर्ल चाइल्ड के लिए करके ने, गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है, ये भी पोस्ट ऑफिस में मिलती है, जो 8.5% का रिटर्न मिलता है। और ये आप इन्वेस्ट करोगे तो जब लड़की 21 ईयर्स की होगी ना, तब आप ये पैसे को निकाल सकते हो, और इसमें भी आपको PPF के जैसे टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं, और इसमें साल का आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ईयरली। फिर ऑप्शन होता है, काफी सारे लोग है ना ये ऑप्शन शायद सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि काफी लोगों के पास है ना इंश्योरेंस पॉलिसीज होती है, और उसके अंदर चाइल्ड प्लान वगैरह काफी सारा होता है। पर ये सब जो चाइल्ड पॉलिसीज होती है ना इंश्योरेंस की, खाली चाइल्ड पॉलिसी नहीं, आप कौन सी भी पॉलिसी ले लो, एंडोमेंट पॉलिसी, मनी बैक पॉलिसी, आपको उसमें 5-6% से ज्यादा रिटर्न नहीं आएगा। 5-6% तो उससे ज्यादा तो आपको फिक्स डिपॉजिट में भी मिलता है, और उससे बेटर तो आपको PPF में भी मिलता है।
इसका जो टर्म तो कभी भी वेरिएबल होता है, कोई 10 साल का लेता है, कोई 15 साल का लेता है, कोई 20 साल का लेता है। इसमें टैक्स बेनिफिट मिलता है कि आपको एटीसी बेनिफिट मिलता है एंट्री पे, इसके ऊपर जो रिटर्न आता है उस पे भी टैक्स नहीं लगता है, विड्रॉल पे भी टैक्स आपको फ्री है, और इसमें आप जो मंथली ईयरली जैसे प्रीमियम भरना चाहते हैं आप भरते हो। वैसे ही इंश्योरेंस के अंदर यूलिप बोल के ने भी पॉलिसीज होती है, जो यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान होता है। ये जो पॉलिसी, जो ट्रेडिशनल पॉलिसी होती है ना, ये आपके पैसे को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करती है, इसके लिए आपको रिटर्न बहुत कम आता है। ये जो यूलिप पॉलिसी होती है ना, ये आपके पैसे को आपके विश के हिसाब से स्टॉक मार्केट, जो शेयर मार्केट होती है ना, उसमें भी थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने का ऑप्शन होता है, जिसकी वजह से इसमें आपको जो रिटर्न है ना, ये ट्रेडिशनल पॉलिसी से थोड़ा बढ़ के ही मिलता है, 6% से 10% के ऊपर के बीच में, 10 भी थोड़ा ज्यादा ही हो सकता से कम ही होगा, क्योंकि ये सब पॉलिसीज होती है ना, उसके अंदर आपको चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 6 to 10% के बीच में मेरे को रिटर्न एवरेज मिल सकता है। इसमें भी आपको टैक्स बेनिफिट्स होते हैं। ये सब जो पॉलिसी होती है ना चाइल्ड प्लान की, इसमें एक खासियत ये होती है कि इसमें डबल या ट्रिपल बेनिफिट का प्लान होता है। उसका मतलब ये है कि जो फादर होता है वो पॉलिसी बच्चे के बेनिफिट के लिए लेता है, तो फादर ये पॉलिसी का प्रीमियम भरता है हर महीना हर साल। अगर खुदा ना खास्ता अगर फादर को कुछ हो गया, तो उसके अंदर लाइफ इंश्योरेंस का एक बेनिफिट होता है, जैसे एक सम अश्योर्ड बोलते हैं ना, एक 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, वो इमीडिएटली वो मदर के को मिल जाता है इमीडिएटली, और उसके बाद का जो फादर ने जो प्रीमियम भरना था हर महीने हर साल, जो भी फादर भरना था वो प्रीमियम कंपनी भरती है फादर के बिहाफ में। और जब बच्चा 18-20 साल का जब हो जाता है, जब पॉलिसी मेच्योर होती है, तो उसमें से जितना भी पैसा जो फैमिली को मिलना है, जो फंड वैल्यू बोलते हैं, वो भी पैसा फैमिली को मिलता है। तो यहाँ पे एक अश्योरिटी जैसा हो जाता है कि अगर पेरेंट को कुछ हुआ, तो जो पेरेंट ने कमिट किया था कि भाई हर महीने हर साल में बच्चे के लिए करके ने इतना पैसा जमा करूंगा, वो पैसा इंश्योरेंस कंपनी जमा करती है आपके बिहाफ, तो वो बेनिफिट अच्छे बेनिफिट है। पर हमको ये भी देखना है कि उसके अंदर रिटर्न जो है अपने को 6 से 10% के अंदर ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और एक ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड्स का ऑप्शन होता है। अभी म्यूचुअल फंड का जब नाम हम सुनते हैं ना, तो हमको थोड़ा कहीं ना कहीं लगता है कि अरे ये तो रिस्क है, शेयर मार्केट दिमाग में आता है। पर आपको मैं एक बात बताता हूं कि आज की तारीख में हमने जब देखा है, मैं वापस से पीछे जाता हूं यहाँ पे, कि अगर मुझे सेव करना है ना, अगर मुझे सेविंग करना है, तो मुझे कम से कम 12 से 15% का रिटर्न आएगा तो ही मैं मैनेज कर पाऊंगा। अगर मेरे को 4-5, 6%, 8% का रिटर्न आएगा, तो शायद से मैं मेरे फ्यूचर गोल्स पूरे नहीं कर पाऊंगा। तो आज मुझे ये देखना है कि मैं जितना एग्रेसिवली इन्वेस्ट करूंगा, उतना ज्यादा मुझे, उतना मैं गोल के नजदीक पहुंच पाऊंगा मेरे। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं म्यूचुअल फंड्स की, जहां पे अपने को 8% से 15% या शायद उससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। अभी मैं इतना बड़ा रेंज इसके लिए दिया हूं यहाँ पे, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में ना डेट फंड भी आते हैं, जो आपका पैसा बॉन्ड में लगाते हैं, जिसमें आपको 7-8% का रिटर्न मिल सकता है, और ऐसे फंड भी आते हैं कि जो पूरा का पूरा पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं, जिसका आपको लॉन्ग टर्म में आपको 12 से 15% या शायद उससे ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। बट मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये म्यूचुअल फंड अच्छी चीज है, बट इसको अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो कोई एडवाइजर की एडवाइस लेके ही आप इन्वेस्ट करो, और ये लॉन्ग टर्म, इसमें जैसे डेट फंड है, अगर मुझे 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना है ना, तो आप डेट फंड जैसे जो फंड होते हैं ना, जो गवर्नमेंट बॉन्ड वगैरह में डालते हैं, आप उसमें इन्वेस्ट करो, आपका पैसा थोड़ा सेफ रहेगा। अगर आपके पास 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल का टाइम है ना, तो आप म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड में डाल सकते हैं, जहां पे आपको 12-15% तक का सालाना रिटर्न मिल सकता है। पर सर, 1 सेकंड, जस्ट
Just one thing. So everyone who's asking about the scholarships, we have one more presentation coming up right after this about the scholarships and the opportunities of that it will provide. I'm so sorry for interrupting, sir. I really like the slides. It's very interesting, actually. Okay. So म्यूचुअल फंड जो है आपको, क्योंकि इसके लिए बहुत रिसर्च की जरूरत पड़ती है, इसमें रिस्क फैक्टर भी होता है, तो कोई आपको, पर इसमें फायदा भी होता है, क्योंकि हमको ये चीज समझ में आ रही है कि हमको 2-5% के रिटर्न से काम नहीं चलेगा, हमको थोड़ा ज्यादा रिटर्न चाहिए जो म्यूचुअल फंड दे सकता है. पर कौन सा फंड दे सकता है? मार्केट में कम से कम 40 कंपनी है और 40 कंपनी के पास, कम हर कंपनी के पास 50 से ज्यादा फंड होते हैं, यानी 2000 के ऊपर फंड है. आप कौन से फंड में इन्वेस्ट करोगे आपको नहीं पता, तो उसके लिए आपको कोई सही एडवाइजर के पास आप जाना चाहिए और आपको उसके हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए. और म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्ट करोगे ना, तो SIP में इन्वेस्ट कर सकते हो. SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे आप रिकरिंग डिपॉजिट में कैसे हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, वैसा म्यूचुअल फंड में भी हर महीने आप इन्वेस्ट कर सकते हो. शेयर्स की जब बात आती है, शेयर्स जो है ना बहुत रिस्की होता है. अगर आपके पास नॉलेज नहीं है ना, और आप खाली सुनी सुनाई बात पे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, तो आपके आपका जो कैपिटल है वो भी नुकसान में जा सकता है. आने को रिटर्न, आपको बहुत रिटर्न भी मिल सकता है, अगर आपके पास सही नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है तो आप डायरेक्ट शेयर्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो. अगर आपके पास नॉलेज इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. सिक्योरिटी के लिए आप या तो इंश्योरेंस के प्लान ले सकते हैं, या तो फिर आप आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए, कि अगर मैं आज इन्वेस्ट कर रहा हूँ, हर महीने 10,000, 20,000, 15,000, 30,000 में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, उसके लिए करके ना, आपको इन्वेस्टमेंट के अलावा ना आपको एक और एक चीज होनी चाहिए आपके पास, जिसको बोलते हैं लाइफ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में वो LIC या ये सब प्लान की बात नहीं कर रहा हूं, कि जीवन आनंद, जीवन तरंग, ये सब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्योर टर्म प्लान की बात कर रहा हूं, जो आपको प्योर लाइफ इंश्योरेंस कवर देगा, रिटर्न कुछ भी नहीं देगा. अगर कोई डेथ हुआ तो इंश्योरेंस मिलेगा, कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं मिलेगा. बट आपको मैं बताऊं कि अगर आपकी एज 30 से 35 ईयर्स के बीच में है, आपको 1 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस अगर चाहिए ना, तो आपको 10,000 के अंदर आपको इंश्योरेंस प्रीमियम साल का, 10,000 से अंदर के प्रीमियम में आपको 1 करोड़ का, या 10,000 तक के प्रीमियम में आपको 1 करोड़ का कवरेज मिल सकता है. और जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, वैसा थोड़ा प्रीमियम भी ज्यादा होगा. पर अगर आपने अर्ली एज पे ले लिया ना, तो आपको वही प्रीमियम 20-25 साल जितना भी टर्म है ना, वही प्रीमियम भरना है. पर आप लेट करोगे ना, तो जितना लेट करोगे उतना ज्यादा आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा. ये 10,000 से 12,000 रुपए जो भी है वो उतना बड़ा अमाउंट नहीं है, पर आपकी फैमिली को जो सिक्योरिटी मिलती है वो बहुत बड़ी मिलती है, क्योंकि हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की प्लान कर रहे हैं. पर अगर जिंदगी है तो इन्वेस्टमेंट होगा, अगर जिंदगी नहीं है तो आपको ये इंश्योरेंस काम आएगा, जो हर पेरेंट को लेना बहुत बहुत जरूरी है. फिर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की. रियल एस्टेट भी बहुत लोग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के जैसा लेते हैं, पर रियल एस्टेट में क्या होता है कि बहुत बड़ा अमाउंट डालना पड़ता है. रियल एस्टेट के अंदर लिक्विडिटी नहीं होती है. आपको जब भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो बहुत बार होता है कि जब हमको पैसा चाहिए तब प्रॉपर्टी के भाव नहीं मिलते हैं, जब नहीं चाहिए तब सामने से आके लोग मांग के जाते हैं, तो लिक्विडिटी नहीं होती है. और इसके अंदर रिटर्न कभी नहीं आने के लिए 5% भी मिलता है, कभी नेगेटिव भी मिलता है, कभी 10-20% भी रिटर्न मिलता है. बट नॉर्मली इसमें लिक्विडिटी नहीं होती. और इसमें और एक मेजर प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें लिटिगेशन प्रॉब्लम होता है. बहुत लोग क्या करते हैं कि प्लॉट ले लेते हैं, लैंड ले लेते हैं, बहुत दूर जाके ले लेते हैं, पर उसके अंदर कहीं ना कहीं कभी फ्यूचर में वो लिटिगेशन प्रॉब्लम होता है. तो ये सब चीज से थोड़ा हमको सावधानी बरतनी जरूरी है. गोल्ड भी लोग इन्वेस्टमेंट के जैसा लेते हैं, पर गोल्ड जो है ना वो इन्वेस्टमेंट नहीं होता है. गोल्ड जो है वो पर्सनल असेट है, बट लोग जो है वो
इन्वेस्टमेंट के जैसे यूज करते हैं, पर आप सबको पता है कि लास्ट 7-8 साल में गोल्ड जो था वो नेगेटिव चल रहा था, वो अभी हुआ है कुछ दिनों से गोल्ड के प्राइस बढ़ रहे हैं, तो जो 5-7 साल पहले जो भाव था ना, आज वो भाव पे के पास आसपास आ गया है, थोड़ा उससे बढ़ गया है। तो गोल्ड के अंदर हम ज्यादा रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तो रिटर्न के हिसाब से गोल्ड इज नॉट अ गुड ऑप्शन। तो ये सब आपके सामने मैंने ऑप्शन रख दिया है। म्यूचुअल फंड के अंदर आपको टैक्स सेविंग भी करना है ना, तो टैक्स सेविंग के लिए एक फंड आता है, उसका नाम है ELSS, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जो आपको ATC का बेनिफिट भी देगा। म्यूचुअल फंड के अंदर जो आपको रिटर्न होता है ना, जो जैसे वैल्यू बढ़ता है, उसके ऊपर आपको टैक्स तब तक नहीं भरना है जब तक आप उसको विड्रॉ नहीं करोगे। फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है कि आप विड्रॉ नहीं भी करते ना, तो हर साल इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स भरना पड़ता है। बट ये म्यूचुअल फंड वगैरह के अंदर आपका जो भी जितना भी कैप जो रिटर्न आता है, रिटर्न यानी आपके अकाउंट में नहीं आता है, आपने 1 लाख लगाया तो 1 साल के बाद वो 1,10,000 हो गया, 20,000 हो गया, वो बढ़ते जाएगा। वो जैसे बढ़ेगा उसका, आपकी जो वैल्यू बढ़ेगी उसके ऊपर आपको तब तक टैक्स नहीं भरना है जब तक आप विड्रॉ नहीं करेंगे। और विड्रॉल के टाइम पे भी आपको ये इक्विटी फंड वगैरह जो होता है ना, उसमें काफी सारा टैक्स बेनिफिट मिलता है। उसके टैक्स रेट भी खाली 10% टैक्स लगता है, वो भी 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट हुआ तो। इसके ऊपर भी डिटेल में हम नहीं जा सकते हैं, अपने पास टाइम की बहुत कमी है। मैंने एक्चुअली आने वाले सर का भी टाइम मैंने काफी ले लिया है। मैं 1-2 मिनट एजुकेशन लोन के बारे में बता देता हूं आपको कि एजुकेशन लोन जो है हर बैंक्स हर जगह पे अवेलेबल होता है, सोसाइटी में मिलती है, बैंक में मिलती है, काफी सारे इंस्टीट्यूशन में मिलती है। लोन के जो फीचर होते हैं ना, कि अगर बच्चे के को लोन चाहिए तो पेरेंट के नाम पे लेना पड़ता है, पेरेंट को उसका को एप्लीकेंट बनना पड़ता है, और जो भी को एप्लीकेंट बनता है उसको खुद की इनकम प्रूफ बताना पड़ता है, कम से कम 3 साल का IT रिटर्न्स बताना पड़ता है। और इसमें जो है ना, छोटी अगर कोई लोन लेता है, 4 लाख रुपए तक की लोन लेता है, तो उसमें कोई गारंटी या कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जो लोन 4 से 7.5 लाख के बीच में लोन होती है ना, तो उसके अंदर कोई गारंटर, कोई थर्ड पार्टी गारंटर की साइन लगती है। और 7.5 लाख के ऊपर अगर लोन होती है तो उसके लिए करके ने कोई सिक्योरिटी, जो कोलैटरल डिपॉजिट जो होता है, जैसे आपको गोल्ड है, कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है, कोई प्रॉपर्टी है, ऐसी कोई आपको सिक्योरिटी को वहां पे लगाना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी। जो एजुकेशन लोन जो है ना, वो नॉर्मल लोन से थोड़ी अलग होती है। जैसे हम घर की लोन लेते हैं, होम लोन लेते हैं, तो जैसे लोन लेते हैं वैसा अपना EMI वगैरह चालू हो जाता है। बट एजुकेशन लोन के अंदर ऐसा नहीं होता है। अगर कोई लोन लेता है तो ये जनरली लोन कब मिलती है, हायर एजुकेशन के लिए मिलती है, स्कूलिंग के लिए और इंटरमीडिएट वगैरह के लिए नहीं मिलती है, स्पेशलाइजेशन के लिए मिलती है, पोस्ट ग्रेजुएशन टाइप के कोर्सेज के लिए मिलती है। ये जो ऑप्शन होता है जब आप लोन लेते हैं, तो इसके अंदर EMI स्टार्ट नहीं होगा, इंटरेस्ट भी आपके ऑप्शन होता है कि आप इंटरेस्ट नहीं भरना चाहते हैं, तो जब तक बच्चे का एजुकेशन नहीं खत्म होता है तब तक आप उसका इंटरेस्ट भी नहीं भरो। और जब बच्चे का एजुकेशन होने के बाद उसका जॉब लगता है, तो वो बच्चा खुद डायरेक्टली जॉब लगने के बाद उसका EMI भरना शुरू कर सकता है। बट जॉब अगर हो सकता है कि 1 साल तक अगर समझो कोई किसको जॉब नहीं मिला, तो एक टाइम रहता है कि समझो 6 महीने तक वेट करते, उसके बाद में EMI भरना शुरू करना पड़ेगा। काफी सारे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के ऐसी पॉलिसी जो स्कीम्स होती है, जो एजुकेशन लोन पे सब्सिडी देते हैं, अगर आप एलिजिबल हो तो। काफी सारे ऐसे गवर्नमेंट के भी स्कीम है, अपने बोर्ड्स के भी, अपने इंस्टीट्यूशन की भी ऐसे होती है कि जहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट पे या इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिलती है, जो गवर्नमेंट आपको एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए देती है। जो जनरली थोड़ा इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जो होते हैं ना, उसको ज्यादा प्रोविजन मिलता है। कुछ ऐसे भी स्कीम होते हैं जहाँ पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट भी आपको वेव ऑफ कर देते हैं। बहुत अलग अलग स्कीम होती है जिसके बारे में आपको ओवर अ पीरियड एजुकेशन बोर्ड आपके पास लेके आएंगी वो सब स्कीम्स।
अब नेक्स्ट जो है वो स्कॉलरशिप के बारे में हमारे जो दूसरे फैकल्टी है वो बोलेंगे. मैं यहाँ पे मेरा सेशन खत्म करता हूँ. बहुत बहुत थैंक यू सब लोगों को मेरे को सुनने के लिए. ओवर टू द नेक्स्ट स्पीकर. थैंक यू एंड याली मदद. थैंक यू सो मच सोलन. Really nice. We really liked what the opportunities and all the your current and future costs and everything. It was really really inspiring. Over to you, Shaunak sir. Shaunak sir will be telling us about the scholarships and the opportunities that EKAB will provide us. Thank you so much, Shaunak sir, for joining us. That was Kareem sir, Saif. But by the way, let me start sharing my screen and let me know in case if you can see it. I'm sure if you can see it, everybody can see it. Yes. Can you see it? Yes, yes, sir. Brilliant. Okay. All right. Yalamatad, everyone. First of all, thank you, Kareem, sir, for this information. I think it was lovely. I was enjoying the slides. I know thoda extend ho gaya hai to the participants, but I think if you really understand what Kareem sir was trying to say, then all the slides are very, very important, because main ek baat bata do before even starting, and I'll take very less time. Ye jo hum log ne jo humko Kareem sir ne bataya, that is proactive strategy. This was all about financial planning. ये सिर्फ उन पेरेंट्स के लिए नहीं है जिनके बच्चे नहीं है या होने वाले हैं, ये उनके लिए नहीं है जो स्टूडेंट्स जो शायद प्राइमरी में हैं और आगे जाके उनको पढ़ना है, बट दिस इज आल्सो एप्लीकेबल टू स्टूडेंट्स जो शायद आज नाइन्थ में हैं, टेंथ में हैं, कल कॉलेज जाएंगे, कल ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, एंड दे विल हैव टू शेल आउट उनकी फीस कॉलेज की. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी. व्हेन दिस डज नॉट वर्क, जब ये काम नहीं करता है, तब हम रिएक्टिव स्ट्रेटेजी पे जाते हैं, जो कि है लोन्स एंड स्कॉलरशिप्स. आई एम मेकिंग अ वेरी क्लियर डिस्टिंक्शन गाइस, डोंट वरी, ऑल योर क्वेश्चंस विल बी आंसर्ड. ये जो इंपॉर्टेंट सेशन था जो करीम सर ने लिया, दिस इज प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी. हमको हमारी प्लानिंग करनी चाहिए, चाहे हम पेरेंट हो या हम स्टूडेंट हो, हम कोई भी स्टैंडर्ड में हो, हमने ग्रेजुएशन कर लिया है, हमको कैनेडा जाना है, हमको मास्टर्स करना है, हमको जो भी करना है, हमारी प्लानिंग होनी चाहिए. दिस हैज टू बी प्रोएक्टिव. अगर हमारी प्लानिंग में, हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी में कोई चूक हो जाती है, या हमारी प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी कम पड़ती है किसी चीज को फंड करने के लिए, देन वी टॉक अबाउट द रिएक्टिव स्ट्रेटेजीज. एंड द फर्स्ट स्ट्रेटेजी दैट करीम सर वाज टॉकिंग अबाउट इज स्कॉलरशिप्स. आई टेक ओनली 10 मिनट्स गाइज. आई नो हम लोग ओवर टाइम है, सो आई बी वेरी शॉर्ट, आई बी वेरी क्रिस्प. लिसन टू मी केयरफुली. आई टेल यू टू ऑप्शंस. वन, द AKDN स्कॉलरशिप जो आगा खान एजुकेशन बोर्ड फॉर इंडिया अलॉन्ग विद आगा खान फाउंडेशन ऑफर करता है. आई टेल यू दैट फर्स्ट, हमारे पास में क्या क्या ऑफरिंग्स है हमारी जमात के लिए. एंड सेकेंडली, देयर बी वन स्लाइड ऑन एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स जो बाहर नॉन AKDN वाले ऑफर करते हैं. राइट, सो लेट्स गो थ्रू इट क्विकली. आई कीप लुकिंग एट द चैट विंडो. अगर कोई रिलेवेंट क्वेश्चन आता है तो आई विल आंसर इट, इफ नॉट मे बी आई जस्ट मूव अहेड. Guys, this is very important for all the 100 plus students, parents who are attending this seminar. I want this vision statement, जो आगा खान एजुकेशन बोर्ड चाहता है कि सब जमात के मेंबर्स को पता चल जाए, ये कोई फरमान में आपको नहीं मिलेगा, ये कोई स्पीच में आपको नहीं मिलेगा, ये हाजिर इमाम की स्पेशल गाइडेंस होती है जो उन नेशनल मेंबर्स को दी जाती है जो वो हाजिर इमाम को मिलने जाते हैं 3 साल में एक बार. So I'm sharing this with all of you. Aga Khan scholarship programs exist to enable academically meritorious and financially needy students to access appropriate levels of grant and loan financing. Ye meritorious plus jo needy hai unke liye scholarship design karne mein aayi hai. Grant and loan, koi scholarship hai jo complete grant deti hai, matlab complete free. कोई स्कॉलरशिप है जो ग्रांट एंड लोन कंपोनेंट होता है, जिसके अंदर जहां पे आपको आपकी स्टडीज खत्म करने के बाद में लोन लौटाना होता है. फाइनेंसिंग फॉर यूनिवर्सिटी लेवल ऑफ एजुकेशन विच इज रिकॉग्नाइज्ड क्वालिटी. आपका जो कॉलेज है, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, दैट हैज टू बी ऑफ सम स्टैंडिंग, दैट हैज टू हैव सम रैंकिंग, वेदर इन इंडिया और अब्रॉड, इन ऑर्डर टू डेवलप इफेक्टिव स्कॉलर्स एंड लीडर्स फॉर द फ्यूचर. तो ये जो विजन है, ये हमको हाजिर इमाम से मिला है, दैट आप उन बच्चों को सपोर्ट करो जो मेरिटोरियस हैं, जो फाइनेंशियली नीडी फैमिली से आते हैं. आपके पास में क्या ऑप्शन है सपोर्ट करने के लिए? आप कहीं पे ग्रांट दे सकते हो, आप कहीं पे लोन दे सकते हो, कहीं पे आप कॉम्बिनेशन दे सकते हो. आप उन बच्चों को सपोर्ट करो जो अच्छा एजुकेशन ले रहे हैं, ताकि आगे जाके जमात में से इफेक्टिव स्कॉलर्स और लीडर्स बन सके. दिस इज द फाउंडेशन ऑफ ऑल द स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स जो हम ऑफर करते हैं.
लेट मी टेक यू टू द फर्स्ट स्लाइड. हमारे पास में तीन ऑप्शंस हैं. द फर्स्ट इज ईडीपी, दैट्स एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. ये शायद सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पे अप्लाई नहीं करता रहेगा, लेकिन उन पेरेंट्स को जहाँ जिनके बच्चे अभी स्कूल में पढ़ते हैं. सो आई विल बी वेरी क्विक गाइज. ईडीपी इज फॉर स्कूल लेवल. क्राइटेरिया है क्लासेस सेकेंड टू ट्वेल्थ स्टैंडर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं. एलिजिबिलिटी इज फर्स्ट टू फोर्थ स्टैंडर्ड में आपको 80% लाना है. फिफ्थ टू टेंथ में अगर आप पढ़ रहे हैं और आपको स्कॉलरशिप चाहिए स्कूल के लेवल के लिए तो आपको 75% लाना है. एंड इफ यू वॉन्ट टू अप्लाई फॉर योर स्कॉलरशिप इन 11th एंड 12th तो आपका 70% होना चाहिए 11th स्टैंडर्ड के अंदर. दिस इज ईडीपी गाइज, एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. दिस इज स्कूल लेवल स्कॉलरशिप प्लस जूनियर कॉलेज एंड 11th एंड 12th. मेरिट प्लस नीड, ऑफकोर्स दोनों ही देखने में आएगा. मेरिट प्लस नीड, इट हैज टू बी अ गुड कैटेगरी स्कूल. क्या क्या कवर करेगा? ट्यूशन फीस, टर्म फीस, ट्रांसपोर्ट, बुक्स, यूनिफॉर्म. जनरली आपका स्कूल का जो भी खर्चा होता है वो ये स्कॉलरशिप कवर करता है. प्रोसेस, इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन होती है. जून टू जुलाई विंडो, मैंने जैसे बोला कि जून टू जुलाई विंडो, मतलब ये ऑलरेडी चल रहा था. डेडलाइन इसकी चार दिन पहले की थी, 25th of June. इसका प्रोसेस ऐसा है कि हम लोग स्कॉलरशिप फॉर्म्स सबसे एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे जो भी एलिजिबल है. नीड असेसमेंट में हमको सोशल वेलफेयर बोर्ड हेल्प करता है कि भाई ये फैमिली नीडी है कि नहीं नीडी है. दोनों क्राइटेरिया मिलने के बाद एक रैंक ऑर्डरिंग प्रोसेस होता है जहां पे हम बच्चों को रैंक ऑर्डर करते हैं. मान लो अगर 1000 बच्चों ने अप्लाई किया है हर साल, तो वो 1000 के 1000 बच्चों को एक रैंक दिया जाएगा 1 to 10,000. और जो भी रैंक 1 पे होगा 2 पे होगा उसको स्कॉलरशिप देने में आएगी. जैसे जैसे ये रैंक बढ़ते जाएगा, रैंक 100 150 200 300, और जो भी हमारा स्कॉलरशिप का बजट होता है. मान लो अगर रैंक 500 पे हमारा अगर बजट खत्म हो जाता है तो उसके बाद में उन सारे बच्चों को जिन्होंने अप्लाई किया था लेकिन रैंक खत्म और बजट खत्म होने के बाद में हम उनको नहीं कैटर कर पाए, उनको सोशल वेलफेयर बोर्ड हेल्प करता है. दैट इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ ईडीपी. इंपैक्ट, दिस इज 100% ग्रांट गाइस. पेरेंट्स, अगर आपका बच्चा स्कूल पे है, थर्ड स्टैंडर्ड में है, सेवेंथ स्टैंडर्ड में है, अच्छी स्कूल जाता है, 80-90% लाता है, आपको लगता है कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी नहीं है कि आप उसका स्कूल का पूरा एजुकेशन फंड कर सकते हो, प्लीज कम एंड अप्लाई टू दिस स्कॉलरशिप. स्कूल की पूरी फीस इंशाल्लाह हम लोग ट्राई करते हैं कि जितनी भी आपकी फीस रिक्वायरमेंट होगी आपको पूरी देने में आएगी. इसमें कोई लोन कॉम्पोनेंट नहीं है. जितना भी पैसा आपको स्कॉलरशिप के जरिए मिलेगा आपको पूरा का पूरा रख लेना है फॉर स्कूल इन्फॉर्मेशन, फॉर स्कूल एक्सेसेस. आपको कुछ भी लौटाना नहीं है टू द इंस्टीट्यूशन. एवरी ईयर अराउंड 500 स्टूडेंट्स को हम लोग इस प्रोग्राम के द्वारा हेल्प कर पाते हैं. एंड ऑन एन एवरेज मैं कह रहा हूँ अराउंड 15,000 rupees अगर मैं स्कूल की फीस पकड़ूं. आई एम कंसिडरिंग गुजरात स्कूल्स एज वेल, हैदराबाद स्कूल्स एज वेल, मुंबई स्कूल्स एज वेल. ऑन एन एवरेज 15,000 to 20,000 rupees पर स्टूडेंट को यहाँ पे मिलता है. दिस इज ऑल अबाउट एजुकेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. For anyone who needs more details, you can always contact the education board. I am a board member, so I will always be available. Just because in the interest of time, yahan pe main chala fast jaunga. This was EDP, guys. TSP, Tertiary Scholarship Program. This is for your undergraduate studies. And it also caters to post-graduation in India. 12th पास करने के बाद में अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है, मेडिकल करना है, आर्ट्स में कोई डिग्री चाहिए, कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है आफ्टर योर 12th, या फिर ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद में आपको मास्टर्स करना है, जैसे कि MBA है या फिर MCOM है या मास्टर्स इन साइंस है, आपको जो भी कोर्स करना है उसके लिए प्रोग्राम है टर्शरी स्कॉलरशिप प्रोग्राम TSP. एलिजिबिलिटी 70% आपका 12th पे होना चाहिए तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे. मैंने पहले ही कहा था कि सारे प्रोग्राम जो है वो मेरिट प्लस नीड पे चलते हैं. तो ओनली एलिजिबल क्राइटेरिया इसके 12th में आपका 70% होना चाहिए. अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन में 60% होना कंपलसरी है. अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर देते हो, अगर आप एलिजिबल हो जाते हो, दैट डज नॉट मीन आपको स्कॉलरशिप मिलेगा. ये क्राइटेरिया सिर्फ आपका फॉर्म भरने के लिए है. व्हाट ऑल इट कवर्स, दिस प्रोग्राम कवर्स ट्यूशन फी, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल एक्सेट्रा. जो भी आपका ग्रेजुएशन में खर्चा आता है, चाहे वो आपका किसी जगह पे रहने का हो, अगर आपको हॉस्टल में रहना पड़ रहा है, अगर आप गुजरात में रहते हो और आपको हैदराबाद जाके कोई कॉलेज में पढ़ना पड़ रहा है, तो आपके कॉलेज का पूरा खर्चा प्लस आपका रहने का खर्चा वो सारा ये प्रोग्राम देता है अगर आप क्लियर करते हो तो. प्रोसेस अगेन ऑनलाइन एप्लीकेशन है. मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे अप्लाई करना है. जुलाई टू सेप्टेम्बर. सो ऑल दोज गाइज जो आप यहाँ पे आप सेशन अटेंड कर रहे हो, आप अपने अपना 12th खत्म कर लिया है, यू फील आपको आपकी कॉलेज के लिए कुछ हेल्प चाहिए, यू ऑल आर एलिजिबल.
in case if you get 70% into your 12th, you all are eligible to apply for this scholarship. मेरी सिंसियर रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिए. जुलाई में इसका ओपनिंग होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट होगा. इंशाल्लाह अगस्त एंड सितंबर तक हम लोग आपको सारा का सारा फीस डिसबर्स भी कर देते हैं. एज अगेन मैंने कहा कि दिस इज मेरिट एंड नीड, यहाँ पे आपकी मेरिट चेक होती है, यहाँ पे नीड चेक करने में हमको सोशल वेलफेयर बोर्ड हेल्प करेगा. ये प्रोसेस है, इसमें इंटरव्यू होता है. जैसे मैंने बताया कि जब हम EDP की बात कर रहे थे, जो स्कूल लेवल का था, उसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, उसमें फॉर्म प्रोसेसिंग होता है. अगर आपका बच्चा क्लियर कर देता है, उसको अच्छा रैंक मिलता है प्रोसेस के अंदर, तो उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगा. लेकिन इस प्रोसेस के अंदर आपका बच्चे का आपके पेरेंट के साथ में इंटरव्यू होगा. 4 से 5 पैनल मेंबर बैठेंगे, जो बोर्ड के होंगे, सोशल वेलफेयर बोर्ड के होंगे, आपकी काउंसिल के होंगे, वो आपके बच्चे का इंटरव्यू लेंगे. वो बच्चा जब इंटरव्यू क्लियर कर देता है और अगर पैनल को लगता है कि इसको सपोर्ट जरूरी है, तब वो बच्चे को सपोर्ट दिया जाएगा अंडर TSP. इसका इम्पैक्ट, इसमें 50% ग्रांट, 50% लोन होता है. मान लो आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, आपकी साल की 1 लाख की फीस है, अगर आपको TSP के अंदर 80,000 रुपीज सैंक्शन होता है, तो 40,000 रुपीज आपका फ्री रहेगा, ग्रांट रहेगा, वो आपको वापस नहीं देना है. बाकी का जो 40,000 है, वो आपको आपकी इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद में लौटाना है. दिस इज ओनली बिकॉज आप जो फीस लौटाओगे गाइज, वो वापस पूल में जाएगा और वो आगे आने वाले बच्चों जो अप्लाई करते हैं TSP के अंदर, उसको हेल्प करने में आएगा. अराउंड एवरी ईयर 120 स्टूडेंट्स TSP के लिए अप्लाई करते हैं. कुछ कंटिन्यूइंग होते हैं, कुछ नए होते हैं. अराउंड उनको स्कॉलरशिप दी जाती है, वो क्लियर करते हैं. एवरेज अगर मैं बताऊं तो अराउंड 75,000 रुपीज पर स्टूडेंट मिल जाता है TSP के अंदर. गाइज लास्ट 20 इयर्स में मोर देन 3,000 स्टूडेंट्स TSP अवार्ड हो चुके हैं अब तक. अब मतलब आप सोच सकते हो कि इस प्रोग्राम के द्वारा इंस्टीट्यूशंस ने अराउंड 3,000 स्टूडेंट्स को हेल्प किया है इन द लास्ट 20 इयर्स. लेट मी सी अगर कुछ रेलेवेंट क्वेश्चन हो तो. What can middle class students do? Guys, I'll come to it. Please give me some time. मैं एक एक question करके read करूंगा. I'll just request, hang on, there are just 2 slides left. मैं थोड़ा fast भगा रहा हूँ because I can take every question after that. A very important ISP, International Scholarship Program. जो लोग बाहर पढ़ना चाहते हैं, specifically graduation के बाद में, बिकॉज ये प्रोग्राम ग्रेजुएशन के बाद में है. दिस इज फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज और PhD स्टडीज. अगर किसी को मास्टर्स अमेरिका जाके या कनाडा जाके करना है, तो उनके लिए ये प्रोग्राम है, इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम. एलिजिबिलिटी इज हाई स्कोर्स, रिकग्नाइज कॉलेज से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, और आप US और अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जहां भी आपको जाना है, वहां पे आप टॉप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर रहे हो. दिस इज एन एलिजिबिलिटी इन्फॉर्मेशन. मैंने ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलेगा. मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छी कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो, अगर आपने अच्छी कॉलेज से, एक रिकग्नाइज्ड कॉलेज से या स्कूल से आपने अपना ग्रेजुएशन किया है, तो आप ये प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हो. मेरिट प्लस नीड, जैसा हमको गाइडेंस मिला था हाजरी माम के हिसाब से, सारे के सारे प्रोग्राम मेरिट प्लस नीड पे बेस किए गए हैं. एकेडमिक फीस कवर की जाएगी, लिविंग एक्सपेंसेस आपका कवर किया जाएगा. जब आप US में या कनाडा में जाके रह रहे हो, तो आपको लिविंग एक्सपेंसेस प्लस आपकी एकेडमिक फीस की क्लियर इसमें केटर की जाएगी. प्रोसेस, ऑनलाइन एप्लीकेशन अगेन जैन टू मार्च. इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर पढ़ना चाहते हैं, एंड जिनको लगता है कि उनके मार्क्स अच्छे हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, वो डेफिनेटली जनवरी में जब ये प्रोसेस खुलता है, जब इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन खुलता है, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो. इसका प्रोसेस का जो रिजल्ट होता है, वो अगेन एक इंटरव्यू पे होता है. इसके इंटरव्यू पैनल में आगा खान फाउंडेशन के मेंबर्स बैठते हैं, आगा खान एजुकेशन बोर्ड के मेंबर्स बैठते हैं, और नेशनल काउंसिल के मेंबर्स बैठते हैं. इट्स अ वेरी स्ट्रिंजेंट इंटरव्यू प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन. गाइज ये इजी प्रोसेस नहीं है. अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मान लो आप अराउंड एवरी ईयर 25-30 इस्माइली एप्लीकेंट्स इसमें अप्लाई करते हैं, बट ओनली 4 or 5 एंड अप गेटिंग सिलेक्टेड. ये इतना रिगरस प्रोसेस है. एक आप इमेजिन कर सकते हो कि अगर किसी को US जाना है, अगर किसी को कनाडा जाना है, तो उसकी साल की फीस वुड बी अराउंड 20-25 lakhs. 20-25 lakh उसके साल की फीस रहेगी. मतलब आप इमेजिन कर सकते हो कि जो बजट रहेगा, अगर आप अपने 4 बच्चों को फंड किया, तो आपका 1 crore का जो बजट होगा, वो इसी में खत्म हो जाएगा. That's why we have to be very stringent. जो इंटरव्यू होता है वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके हाई स्कोर्स है, और अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो, then definitely you should apply for international scholarship program. ये इस्माइलियों के लिए, this is 4 on 30, this is 4 on 20.
नॉन स्माइली के लिए आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितना डिफिकल्ट है। ये पहला ऐसा प्रोग्राम है जहां पे नॉन स्माइली भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए अलग बजट है, उनके लिए अलग पूल है। अगर 1000 नॉन स्माइली अप्लाई करते हैं, हार्डली 1 or 2 एंड अप गेटिंग सिलेक्टेड। ये इतना डिफिकल्ट प्रोसेस है। और ये 1000 एप्लीकेशंस भी टॉप यूनिवर्सिटीज में होते हैं, हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड। सो दिस इज द लेवल ऑफ सिलेक्शन, दिस इज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ द प्रोसेस। आई स्टिल रिकमेंड जो भी नेक्स्ट ईयर यूएसए या कनाडा अच्छी कॉलेज से अगर पढ़ना चाहते हैं और उनके स्कोर्स अच्छे हैं, जो मेरिटोरियस हैं, वो प्लीज आप ये इंटरनेशनल स्कॉलरशिप प्रोग्राम में अप्लाई कीजिए एंड इंशाल्लाह यू विल बी गेटिंग सिलेक्टेड। अ लॉट ऑफ योर फंडिंग रिक्वायरमेंट विल कम फ्रॉम दिस। ये तीन प्रोग्राम्स हैं जो आगा खान एजुकेशन बोर्ड अलॉन्ग विद आगा खान फाउंडेशन ऑफर करता है, ईडीपी, टीएसपी एंड आईएसपी। आई एम अगेन रिपीटिंग, ईडीपी इज फॉर स्कूल लेवल, टीएसपी इज फॉर ग्रेजुएशन आफ्टर योर 12th स्टैंडर्ड एंड मास्टर्स एज वेल। ISP is for international studies, post-graduation or PhD studies. Masters अगर आपको बाहर करना है तो, right? Last slide guys, before I come to questions. मान लो अगर आपको ये तीन programs में अगर आपको नहीं मिलता है, या फिर for some reason आप TSP में या ISP में select नहीं होते हो, या for some reason आप इसमें apply नहीं कर पाते हो, then there are external scholarships that are available, the non-AKDN scholarships. There are a lot of scholarship foundations, जैसे कि टाटा का फाउंडेशन है, महिंद्रा स्कॉलरशिप का फाउंडेशन है, जो आपको सिमिलर तरीके से बोलेगा आप अप्लाई करो अगर आपके स्कोर्स अच्छे हैं, अगर आप अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हो, चाहे वो इंडिया में हो या बाहर हो, तो वो फाउंडेशन आपको हेल्प करते हैं। जैसा आगा खान फाउंडेशन आपको हेल्प करता है, वैसे ही दूसरे बहुत सारे फाउंडेशन जो आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा हमको करीम सर ने भी बताया, देर आर लॉट ऑफ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स अवेलेबल फॉर माइनॉरिटीज, इसमें हम फॉल करते हैं, गर्ल चाइल्ड, सिंगल पेरेंट, इकोनॉमिकली बैकवर्ड सोसाइटी जो फैमिलीज है उनको भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक स्कॉलरशिप की बात करता हूँ, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप फॉर गर्ल चाइल्ड, जिसमें अगर कोई गर्ल चाइल्ड अंडर ग्रेजुएट स्टडीज इंडिया में लेना चाहती है तो उसको 25,000 का स्कॉलरशिप का हेल्प मिलता है। गुजरात में बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जहाँ पे गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में फीस इज ओनली 1600, अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस जहाँ पे फीस इज ओनली 25,000। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की बात करोगे तो जिसकी फीस 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख होती है, वहीं पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की फीस होती है 25,000। यहाँ पे आपको मेरिट दिखाना पड़ता है, आपको 12th में या आपकी एंट्रेंस एग्जाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लाने पड़ते हैं। देयर आर स्कॉलरशिप्स ऑफर्ड बाय गुजरात स्टेट गवर्नमेंट फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस ऑफ द फैमिलीज, जहाँ पे अगर आपकी इनकम इज 4.5 लाख से नीचे है किसी भी फैमिली की इनकम, और अगर आपके बच्चे को मेडिकल में या इंजीनियरिंग में पढ़ाई लेनी है, तो आपका 50% ट्यूशन फी वेव ऑफ हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मेरिट, आई थिंक 80% ये बेसिक मेरिट अगर आप लाते हो, और अगर आपकी फैमिली की इनकम इज लेस देन 4.5 लाख, तो स्ट्रेट अवे आपकी ट्यूशन फी 50% हो जाती है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है, देयर आर लॉट ऑफ एक्सटर्नल स्कॉलरशिप ऑप्शन, देयर आर बैंक लोन्स जैसा करीम सर ने बात किया अलग अलग इंटरेस्ट रेट पे, देयर आर यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स। कनाडा में, यूएस में जब आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हो तो आपको वो यूनिवर्सिटी भी, अगर आपका रैंक अच्छा है, अगर आपका मेरिट में आता है, तो आपको वो यूनिवर्सिटी फंड करेगी। नाउ गाइस, मैंने यहाँ पीपीटी में कुछ ऐसा मैंने लिखा नहीं है कि आप कहाँ कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अपने स्टार्ट में सेमिनार की ज्वाइन में देखा रहेगा कि अगर किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप career.esc या फिर अपने एजुकेशन बोर्ड मेंबर्स, चाहे वो लोकल बोर्ड हो या जमात खाने वाले बोर्ड हो, आप जिसको भी आप टच बेस करोगे, जिसको भी आप पूछोगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। यहाँ पे मैं आपको एक एक्सेल शीट देता हूँ, ये एक्सेल शीट हमने बनाई है जहाँ पे एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स, नॉन एकेडियन स्कॉलरशिप्स है, उसकी कंप्लीट लिस्ट यहाँ पे आपको हम आपको देते हैं। ये लिस्ट हर साल अपडेट होती रहती है, ये फिलहाल एक अपडेशन प्रोसेस में है, इसलिए मैं आपके साथ में ये एक्सेल शीट शेयर नहीं कर रहा हूं। लेकिन अगर आप एजुकेशन बोर्ड को, चाहे वो नेशनल लेवल हो या लोकल बोर्ड लेवल हो, अगर आप उनको कांटेक्ट करते हो, तो 1 या 2 हफ्ते के अंदर आपके पास में ये एक्सेल शीट होगी, आप उनसे मांग सकते हो, वो आपको ये प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम लोग इकट्ठा कर सकते थे पूरे नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, हमने वो स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठा की है, जैसे कि नेम ऑफ स्कॉलरशिप, कोर्सेज, स्टैंडर्ड, किस किस स्कॉलरशिप की एप्लीकेबिलिटी है, उनकी डेडलाइन क्या है, उसके एक्सटर्नल लिंक क्या है,
यहाँ पे अगर आप लिंक पे जाओगे तो वहाँ पे आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, पूरा एक प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे तकरीबन हमने आई थिंक अराउंड 25-30 एक्सटर्नल स्कॉलरशिप का ऑप्शन यहाँ पे दिया है। ये लिस्ट हर साल अपडेट होती रहती है, दिस इज करंटली अंडर अपडेशन, पर जैसे ही आप अपने एजुकेशन बोर्ड को कॉन्टेक्ट करोगे आपको ईमेल में वो बोर्ड या वो बोर्ड का मेंबर आपको ये एक्सटर्नल लिस्ट शेयर करेगा। यू कैन गो थ्रू जहां पे भी आपको लगता है कि आप अप्लाई कर सकते हो, जहां पे आप एलिजिबल हो वो साइट पे जाके आप देख सकते हो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, और वहां पे उस इंस्टीट्यूशन में या उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना एप्लीकेशन दे सकते हो। तो गाइस दिस वाज इट कि कहां से आपको इंस्टीट्यूशन से हेल्प मिल सकती है, कहां पे आपको नॉन एकेडियन इंस्टीट्यूशन से हेल्प मिल सकती है। इसके अलावा फॉर स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग there are a lot of scholarship applications, there are scholarship apps जो आप अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हो, there are a lot of links जो आपको गूगल सर्च करने पे मिल जाएगा, जहाँ पे आप सिंपली सर्च करके आपकी जो पढ़ाई है आपका जो कोर्स है उसके लिए आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। इट इज एज इजी एज दैट। सो जैसे करीम सर ने बताया था कि आप अपनी प्लानिंग कर सकते हो, आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो, अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग पूरी नहीं पड़ती है आपका कॉलेज एजुकेशन फंड करने के लिए, देन यू कैन ऑलवेज ऑलवेज अप्लाई फॉर दीज स्कॉलरशिप्स जो इंटरनल है, प्लस यू कैन गो फॉर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स। आई थिंक आई ट्राई टेकिंग सम ऑफ द क्वेश्चंस। सेफ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ, लेट्स टेक द क्वेश्चंस और एल्स वी रन आउट ऑफ टाइम। लेट मी सी कहां से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। सेफ लेट मी ड्राइव दिस, यू कैन ऑलवेज इंटरफियर। ऑलराइट, सो Let me take the questions. So scholarships की हमने बात की guys, जैसे कि मैंने बताया school level, college level and masters abroad हमारे institutions आपको help करते हैं। अगर आप उस eligibility में नहीं fall करते हो then you can always go search on Google, apps download करो, education board को approach करो और आपको external scholarship की information Excel पे email की जाएगी। Let me see where I can start answering. स्कॉलरशिप्स बेस्ड ऑन लोकेशन, अनेरी पैमा, आप जैसे ही गूगल सर्च करोगे आपको अलग अलग कंट्री की भी स्कॉलरशिप्स मिल जाएगी। कुछ स्कॉलरशिप इन्फॉर्मेशन हमने एक्सेल फाइल में डाली है, जो हमारी एक्सेल फाइल में नहीं है वो आप गूगल सर्च करके या ऐप डाउनलोड करके इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। इज दिस EDP स्कॉलरशिप ऑल्सो गिवन टू अकेडमी स्टूडेंट्स? सोने पैमा, करंटली अकेडमी की फीस है वो दैट इज वेरी हाई। Currently, EDP scholarship is there, it is open for academy, but academy खुद एक scholarship program run करती है, तो mostly अगर आप financially needy हो, अगर आपकी जो बच्ची है या जो भी आप हो, अगर आप financially weaker background से आते हो तो आपको academy भी help करती है। अगर आपकी academy से पूरी नहीं होती है आपकी जो need है education की, then you can definitely go ahead and fill the education scholarship form, but the education scholarship form, again I'm reminding, it's merit plus need, that's why our first preference will be to cater to students who are going in CBSE board or SSE board, जो absolutely अपनी funding afford नहीं कर सकते हैं school level की, हमारा priority वो रहेगा, but you can still apply. 70% in 11th means the scholarship will be given after the end of the 11th year, or scholarship is based on 70% in grade 10. Sir, if you are applying, if your child or if you are going in 11th standard, आपका 10th standard का marks देखा जाएगा. If you are going in 12th standard, your 11th standard ka marks will be dekha jayega. What is the limit of the scholarship? Currently, there is no limit. There is no limit. If a student wants to study in A levels and IB, will they also get scholarship? Yes. We encourage students to apply for this scholarship, but as I think you are rightly pointing out, the fees for such education is very high. We will not be able to cater to everyone. आप imagine करो, अगर मेरे पास में एक budget है, मैं आपको एक random figure देता हूँ, अगर मेरे पास में 1 crore का budget है, 1 crore का, और अगर उसमें से मैं अगर 5 IB level students को भी अगर मैं scholarship दे देता हूँ, जिनकी fees होती है around 8-10 lakhs, अगर मैं उनकी 50% भी funding करता हूँ, और अगर मैं around 10 IB students को देता हूँ, तो 50 lakhs, half of my budget will only go in catering to these 5 students or max 10 students. Versus, आप इमेजिन करो 50 स्टूडेंट्स और 500 स्टूडेंट्स अप्लाइंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज इन गुजरात, डिफरेंट सिटीज इन महाराष्ट्र, डिफरेंट सिटीज इन हैदराबाद, अगर वो अप्लाई करते हैं जिनकी एवरेज फीस होती है अराउंड 20,000, 30,000 या 40,000, मैं उनको छोड़ दूंगा। सो आई हैव टू वॉक अ वेरी थिन लाइन, आई हैव टू ट्रेड अ वेरी थिन पाथ, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू केटर टू आईबी स्टूडेंट्स। बट जब आप आईबी में अप्लाई करते हो, माय फंडा इज दैट आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करके अप्लाई कर रहे हो। So that is the fund, that is the base that we apply. You cannot apply to IB school saying ki meko scholarship se 100% mil jayega because mere bacche ko 99% aaya hai. No,
that is not the criteria, that is not what your student will be facing when he sits for an TSP interview. आपके बच्चे की फाइनेंशियल प्लानिंग देखी जाएगी, आपके बच्चे ने या आपने अगर आपको मास्टर्स करना है तो आप कितना प्रिपेयर हो, आप कौन कितने सोर्सेज से आपने इंक्वायरी की है, तब जाके आप ये टीएसपी और आईएसपी में अप्लाई कर रहे हो. यू कैन नॉट कम एम्प्टी हैंडेड टू द स्कॉलरशिप पैनल एंड से आई हैव गॉट 90%, प्लीज गिव मी 100% ऑफ स्कॉलरशिप. दैट इज नॉट व्हाट द स्कॉलरशिप इज मेंट फॉर. Is TSP available for abroad universities? No, and any by my no. TSP is only for India studies, for graduation and masters in India. Agar aapko abroad ke liye jana hai, to currently there is no program of the institution jo aapko undergraduate studies for abroad ke liye cater karta hai. We can only help for students who are doing their masters abroad. What can the middle class students do? Riyaz bhai, the base advice is, for students who are getting average scores and they are coming from a financially needy background or from a family who needs support in education, my sincere request is try and get into the merit criteria. There is no scholarship organization in the world that will cater to a student who is getting a mediocre marks and coming from a financially weaker background. I can only hope that ke koi government scholarships hai, jaise ki government for minorities hai, Gujarat mein MoMA scholarship chalti hai, दूसरे स्टेट्स में दूसरे सिटीज में अपनी अपनी स्कॉलरशिप चलती है, अगर आप वो आपको हेल्प कर पाए, वो उन स्टूडेंट्स को हेल्प कर पाए जो मिडिल मार्क्स लाते हैं और एक फाइनेंशियली नीडी बैकग्राउंड फैमिली से बिलोंग करते हैं. सो व्हाट इफ यू वांट टू डू अ प्रोफेशनल कोर्स एंड वी आर इन सेकंड ईयर ऑफ कॉलेज, कैन वी अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप? शामिल नो. टीएसपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, आप फर्स्ट ईयर में हो तभी ही आप अप्लाई कर सकते हो, आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तब आप अप्लाई नहीं कर सकते हो. The only reason is I am stressing, हम बच्चे को उस तरीके से जज करेंगे कि आपने 12th के पहले और 12th के बाद में, आप ग्रेजुएशन में एंटर करने के पहले आप कितना फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हो. I am again stressing, scholarship is a limited budget. ये उन students के लिए है जो meritorious हैं, जो financially needy family से आते हैं, needy background से आते हैं, plus जो अपना homework करके आते हैं. If you are not doing your homework in your first year, कि अगर मेरे को इंजीनियरिंग में जाना है, 1 लाख की फीस है, मैं कैसे निकालूंगा, लेट मी सी मेरे ऑप्शंस क्या क्या है, तो आप 12th के बाद में ये स्टार्ट करोगे. आप फर्स्ट ईयर में जाने के बाद में सेकंड ईयर में स्टार्ट नहीं करोगे कि ओके फर्स्ट ईयर तो कैसे भी तरीके से मैनेज हो गया, नाउ सेकंड ईयर देखते हैं कैसा मैनेज कर सकते हैं. नो. स्कॉलरशिप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप ले लो, वो उन बच्चों को प्रायोरिटी देगा जो अपना होमवर्क करके आते हैं, जो पूरा सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करके आते हैं. What about scholarships for undergraduate? I think I answered this. There is no scholarship, at least from our institutions, jo undergraduate studies ko bahar jane ke liye help kar sakti hai. ISP is for students jo bahar postgraduate karna chahte hain ya fir PhD studies karna chahte hain. Can we apply for ISP for advanced diploma program? Shahrukh, advanced diploma, yes you can apply. बट यहाँ पे आपकी इंस्टीट्यूशंस देखी जाएगी, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी देखी जाएगी, आपका कोर्स देखा जाएगा, आपका इंटरव्यू होगा, और अगर आप इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो आपको रेकमेंड करने में आएगा. इस टीएसपी मोर ऑफ अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप? इट लुक्स लाइक टू सिमिलर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, बट इफ वन इज मोर नीडी विल बी सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप. डेफिनेटली यस एसएम, टीएसपी इज मेरिट प्लस नीड. अगर मान लो अगर आप दो स्टूडेंट्स को देखते हैं, दोनों का 85% आया है, दोनों सेम कॉलेज में जा रहे हैं, दोनों की नीड सेम है, नहीं सॉरी, तो किसी एक की नीड ज्यादा है, किसी एक का नीड कम है. मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपके पास में उतना ही बजट है कि किसी आप किसी एक स्टूडेंट को फंड कर पाओ, आप क्या करोगे? दिस इज नॉट अ नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, इट्स मेरिट प्लस नीड. बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है, मैं उल्टा आपको क्वेश्चन कर रहा हूं कि अगर आपके पास में उतना ही बजट है जितना आप एक बच्चे को फंड कर सकते हो, तो आप क्या करोगे? आई होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन. What about bachelors in abroad, Canada specifically? As I replied, bachelors ke liye, there is no institution, at least internally, jo support karta hai. There are a lot of institutions, non-Acadian institutions, jo aapko fund karegi. Specifically, academy se cases hai, jo aap academy se aap apne IB curriculum 12th kar rahe ho, aur undergraduate ke liye Canada ja rahe ho. Bahut cases mein university hi aapko scholarship offer karti hai. जहां पे यूनिवर्सिटी नहीं कर पाती है, वहां पे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे लिखा होता है कि आप कौन सी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो. ऑलराइट, कैन यू प्लीज डू दी स्लाइड शो अगेन बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चंस? स्मिता, आई विश आई कैन बट आई हैव टू रश बिकॉज आई थिंक इट्स 10:30 ऑलरेडी. Smita, you can anytime reach to the education board.
ये जो स्लाइड्स मैंने यहाँ पे प्रेजेंट की है ये कोई सीक्रेट स्लाइड नहीं है, हमारा प्रोसेस कोई सीक्रेट नहीं है, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। आपको ये स्लाइड्स भी मिलेगी, आपको एक्सेल शीट भी मिलेगा, यू हैव टू अप्लाई, यू विल नॉट गेट, एंड दिस इज फॉर एवरीवन, यू विल नथिंग, नोबडी ओवर हियर विल गेट सर्व्ड फूड, आई मीन फूड सर्व्ड ऑन देयर प्लेट, यू विल हैव टू कम टू अस, यू विल हैव टू अप्लाई, यू विल हैव टू डू योर रिसर्च, यू विल हैव टू गूगल सर्च, यू विल हैव टू डाउनलोड द ऐप, एंड इंशाल्लाह वेरेवर यू डू योर होमवर्क वी आर देयर टू सपोर्ट यू। So, any merit, non-NED scholarship for a student who finalizes MBBS with very good scores and gets a good All India rank for specialized course? Arseen, institution may say we will always see merit plus need, but as I said, if you are a high-ranking student, there are you can always go to a government college. If you are doing it from a government college, aapki fees 90% kam ho jati hai compared to a private university. एंड खुदा ना खास्ता अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है, इफ यू हैपन टू गो टू प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर टीएसपी। हम इंशाल्लाह ट्राई करेंगे, आपको जितना सपोर्ट कर सकते हैं उतना करेंगे। अगर आपका नीड वहां पे पूरा नहीं होता है, यू कैन ऑलवेज गो फॉर अ बैंक लोन। इमेजिन द काइंड ऑफ रेम्यूनरेशन, इमेजिन द काइंड ऑफ सैलरी यू विल गेट आफ्टर डूइंग एन एमबीबीएस फ्रॉम अ गुड प्राइवेट यूनिवर्सिटी, यू कैन ऑलवेज पे बैक द लोन। सो इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन विल ऑलवेज बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट। So what type of questions are asked in international scholarship program? How many rounds of interview? So this is something I cannot tell you what kind of questions are asked, but as in when you apply for Ismaili students, institutions, your board aapke liye ek mock interview run karta hai, jahan pe aapko ek slice dene mein aayega, एग्जाम्पल देने में आएगा कि आपका इंटरव्यू कैसे होने वाला है, आपको क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपके सामने पैनल कौन कौन सा होगा, आपको वहां पे किस तरीके से अपने आपको बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो सोचिए आपके लिए आईएसपी के अंदर एक मॉक इंटरव्यू भी रन करता है, जहां पे बोर्ड मेंबर्स आपको हेल्प करते हैं, जहां पे एक्स पैनल मेंबर्स आपको हेल्प करते हैं आपको अपना बेस्ट प्रेजेंटेशन देने के लिए फाइनल इंटरव्यू के लिए। बट आई कैन नॉट टेल यू ओवर योर कितने राउंड्स होते हैं, कितने क्वेश्चंस होते हैं, बट यू कैन ऑलवेज कम टू अस एंड वी कैन डिस्कस दैट इन डिटेल। सर प्लीज क्लैरिफाई हाउ द स्कोर्स हैव टू बी। अनीशा आप किस स्कॉलरशिप के लिए पूछ रहे हो? आई थिंक मैंने क्राइटेरिया वहां पे ऑलरेडी डाल दिया है, दैट इज ओनली द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आपका जो सिलेक्शन होता है दैट विल बी बेस्ड ऑन रैंक ऑर्डरिंग। अगर वो ईडीपी है, अगर वो टीएसपी है, तो आपका इंटरव्यू होता है, यू डू वेल इन द इंटरव्यू एंड यू गेट सिलेक्टेड, एज सिंपल एज दैट। दीदार समनानी प्लीज टेल अस मोर अबाउट बैंक लोन्स। सर मेरे पास में करंटली एक एक्सेल शीट है जो बैंक लोन्स की इन्फॉर्मेशन दे देती है, बट दीदार भाई दिस इज वेरी सिंपल, गो टू गूगल सर्च, मैं भी सेम ही करने वाला हूँ आपको बैंक लोन की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। अगर आप सिंपल सा होमवर्क करोगे तो आपको गूगल सर्च मेरे से ज्यादा बेटर इन्फॉर्मेशन दे देगा, एंड आई एम वेरी ओपन इन सेइंग दैट। मेरे पास में इतनी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, शायद मैं आपको 10 दिन पहले की या एक साल पहले की इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा कि एसबीआई का इंटरेस्ट रेट क्या है, डीसीबी का इंटरेस्ट रेट क्या है, या एचडीएफसी का इंटरेस्ट रेट क्या है और आपको कभी भरना पड़ता है। बट अगर आप सिंपल सा गूगल सर्च करोगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां पे मिल जाएगी। स्कॉलरशिप के बहुत सारे एप्स है, जैसे कि स्कॉलरशिप दुनिया, कॉलेज दुनिया, अगर वो आप ऐप डाउनलोड करोगे तो भी आपको सारी इन्फॉर्मेशन वो ऐप में इजिली मिल जाएगी। What can middle class students do? Please answer after done with the session. Riyaz bhai, we can connect later. We can talk about that. 50% loan, 50% grant. You have to repay the loan after 6 months. Okay, that's an answer, I believe. So, जो भी TSP और ISP है, जिसमें 50% grant है, 50% grant है, वो loan आपको आपकी studies खत्म करने के बाद में देना है। कोई भी institution आपको आपकी studies के दौरान charge नहीं करता है, आपको आपकी studies के दौरान recovery नहीं बोलता है। आप कॉलेज से पढ़ लो, इंशाल्लाह अच्छी कॉलेज से पढ़ लो, आप जॉब पे लग जाओ, उसके बाद में आपको अपना 50% लोन का चुकाना है, और वो भी इसलिए चुकाना है ताकि क्योंकि आप जो पैसे हमको वापस करोगे, जो इंस्टीट्यूशन को वापस करोगे, वो आगे जाके किसी और स्टूडेंट को हेल्प करेंगे, वो पूरे के पूरे पैसे वापस टीएसपी के पूल में चले जाएंगे और वो पूल से फिर दूसरे स्टूडेंट्स को जो आज से 4 साल बाद अप्लाई करने वाले हैं उनको हेल्प करने में आएंगे। Please send the career email ID. Saif, if you can do the honors, if you can just write the career ID over here. I think it's career.asc@dgt. If you can just write it over there. I'll share the screen once the call is finished. So fantastic. So Kareem bhai, आपको जो जब Saif आपका screen share करेगा ये session almost खत्म होने के पहले तभी आपको वहाँ पे detail मिल जाएगी career scholarship. Irrespective Kareem bhai, I think आप किसी भी EDC member को पूछिए, किसी भी local board member को पूछिए. I am 100% sure
अगर आप जेन्युइनली अप्लाई कर रहे हो तो आपको वो हम तक पहुंचा ही देंगे. आई मीन वी आर डूइंग सेवा, हम लोग कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है. आपको जो एक्सेल शीट मैंने बताया है, आपको जो पीपीटी में बता रहा हूँ, वो सारा का सारा आपको मिल जाएगा व्हेन यू आर अप्लाइंग, व्हेन यू नीड द इन्फॉर्मेशन. सम लिंक और ऐप, ओके द नेम इज वेरी ओके पॉपुलर, कोमल. कोमल जो हमारे पास में पॉपुलर लिंक्स एंड पॉपुलर एप्स है वो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो. मैं यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ. स्कॉलरशिप दुनिया है, देर इज वर्ल्ड स्कॉलरशिप जो ऐप एक करके है, वर्ल्ड स्कॉलरशिप करके होता है. देर आर लॉट ऑफ एप्स कोमल. अब सिंपली मैं कह रहा हूँ, मैं आपको गूगल सर्च इसलिए कहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे से ज्यादा अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको गूगल पे मिलेगी. प्लस आप कोई भी इंटरव्यू पैनल में बैठोगे, चाहे वो टीएसपी हो या आईएसपी हो, आपको सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, आपने क्या रिसर्च किया है आपकी फंडिंग के लिए. इफ यू हैव नॉट डन एनी रिसर्च, मैं आपको अभी से रिजल्ट बोल देता हूँ, प्लीज गो बैक. विच आर द स्कॉलरशिप एप्स दैट यू हैव मेंशनड करीना? स्कॉलरशिप एप्स जैसे मैंने कहा, स्कॉलरशिप दुनिया, वर्ल्ड स्कॉलरशिप फोरम, देर आर लॉट ऑफ एप्स, यू कैन गेट इन्फॉर्मेशन ऑन सर्च. रियाज भाई, आई थिंक दिस इज द थर्ड टाइम यू आर आंसरिंग एंड आई एम रिप्लाइंग इट, कि मिडिल क्लास के लिए जो मैं दिखा रहा हूँ, द इंस्टीट्यूशन विल नॉट बी एबल टू सपोर्ट. द इंस्टीट्यूशन ओनली गोज एज मेरिट प्लस नीड, दैट इज प्योरली बाय द गाइडेंस ऑफ हाजरी माम. वी आर नॉट रनिंग अवर ओन एजेंडा. बट अगर आप मिडिल एवरेज स्कोर लाते हो तो आपके लिए दूसरे स्कॉलरशिप ऑप्शन है, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट है. स्टेट गवर्नमेंट आपकी फैमिली का इनकम चेक करेगा. अगर आप माइनॉरिटीज में फॉल करते हो तो देयर आर माइनॉरिटीज स्कॉलरशिप जो अवेलेबल होती है. आप बॉम्बे में किसी भी बच्चे को उठा के पूछ लो, जिसने भी इंजीनियरिंग कॉलेज के इंजीनियरिंग की है, हर माइनॉरिटी, हर खोजे स्टूडेंट को 25% या 50% फीस वापस आई है, बिकॉज दे बिलोंग टू अ माइनॉरिटी, विदाउट इवन चेकिंग कि उसकी फैमिली की इनकम क्या है. इट इज एज सिंपल एज दैट. इज देयर एनी लोन प्रोवाइडेड फॉर अवर कम्युनिटी? शाहरुख, आई स्पेसिफिकली आई डोंट हैव द इन्फॉर्मेशन, बट डीसीबी का एक स्पेशल इंटरेस्ट रेट है जो स्पेसिफिकली स्माइलीज के लिए है. आई थिंक व्हेनेवर यू गो टू डीसीबी बैंक, दे विल टेल यू कि ये इंटरेस्ट रेट पे आप अप्लाई कर सकते हो. एप्स नेम सर, अरे बाबा गूगल सर्च करो, आपको मेरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी. मैं फिर भी दो तीन नाम बोल चुका हूँ. हेलो, हाउ कैन वी एक्सेस द एक्सटर्नल स्कॉलरशिप? हु टू मेल इट फॉर? नीलूषा, आपको career.esc@djt.org पे आपको ईमेल करना है कि प्लीज सेंड मी द स्कॉलरशिप पीपीटी, प्लीज सेंड मी द एक्सटर्नल स्कॉलरशिप एक्सेल फाइल. आपको इंशाल्लाह एक या दो हफ्ते के अंदर एक अपडेटेड एक्सेल फाइल हम लोग ईमेल कर देंगे. अगर आपको ईमेल आईडी नहीं पता है तो आपको सैफ एक ईमेल आईडी यहाँ पे चैट बॉक्स में लिख देगा, आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो, वहां पे सिंपली आप ईमेल डाल सकते हो. मैंने दूसरा ऑप्शन भी बताया है आपको, अगर ईमेल नहीं करना है, आप किसी भी ईडीसी मेंबर को पूछिए कि मेरे को स्कॉलरशिप की इंफॉर्मेशन चाहिए, वो आपको उस लोकल बोर्ड के लिए, मेंबर के लिए आपको कनेक्ट कर देगा और वो लोकल बोर्ड का मेंबर आपको हेल्प कर देगा. सो हमारे पास में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. सारे लोकल बोर्ड मेंबर्स, सारे रीजनल बोर्ड मेंबर्स, सारे ईडीसी मेंबर्स के पास में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. अगर नहीं है, आप सिंपली उसको पूछो, हम उसको पास कर देंगे. What can we do if we are students who want to study for university level but the fees are high, although we are not from needy family? So there are different levels of scholarship that the university itself offers. University ke bahar bhi there are a lot of external scholarship options. Aap wahan pe apply kar sakte ho. Bahut sari aise institutions hai jo aapki family ki need nahi check karte hain, but still aapko scholarship dete hain. Main ek specific example dunga. Recently, students in Hyderabad, students in Bombay, they have applied to so many scholarships, so many universities abroad and in India. Unko 100% scholarship mila hai. Ashoka University in Delhi, jo ek liberal studies ke liye famous hai India mein, usne hamare kai bachcho ko 100% scholarship diya hai. To wahan pe family ki need check nahi hoti hai, wahan pe bachche ka talent check hota hai. एंड सिमिलरली यूएस में जो यूनिवर्सिटीज है जहां पे आप मास्टर्स करने जाते हो, आपके जीआरई के स्कोर्स चेक होते हैं, आपका एकेडमिक रैंक चेक होता है, आपका ट्वेल्थ का, अपना ग्रेजुएशन का, आपका एक्स्ट्रा करिकुलर आपने कितना किया हो वो चेक होता है. और अगर आपका ये सब परफेक्ट है तो यूनिवर्सिटी आपको 50% स्कॉलरशिप दे देती है. सो देर इज नो सच रिक्वायरमेंट बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की कि आपकी फैमिली नीडी ही होनी चाहिए. अगर आपका बच्चा टैलेंटेड है, अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है. Okay, there is any international education loan or scholarship for abroad studies? Karim bhai, there is lot. Sari banks aapko international loan ke liye degi. Aap 100% masters ke liye agar aap jate ho, to 90% tak aapka financing or education loan ke through ho jata hai. Aap koi bhi bank mein jaiye aur aapko wahan pe loan ki information easily mil jayegi.
what is the cost for post graduation in dental? Cost is so much high. Of course, yes, Alifi, and that is why Kareem sir ka session itna important tha ki cost agar aaj important hai to maan lo kal kitna important hoga, and that is why we encourage ki aap financial planning karo. Scholarship guys is a reactive strategy. आपको अगर नहीं मिलता है, अगर आपने प्लानिंग नहीं की है बरोबर, तो आप स्कॉलरशिप के लिए जाइए, लोन के लिए जाइए, लेकिन आप बरोबर प्लान करते हैं तो आपको आपकी फंडिंग से ही आप अपना एजुकेशन का फंड कर सकते हो. रियाज भाई, अगर 5 बार आप 10 बार अगर लिखोगे तो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर दैट क्वेश्चन. मैं पॉलिटिकल नहीं हूं, मैं डिप्लोमेटिक भी नहीं हूं, मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूं. मैंने आपको ऑलरेडी आंसर कर दिया है, आपको स्टिल डिटेल करना है, आपको अगर ऑल डिस्कस करना है, वी कैन ऑलवेज कनेक्ट. आप किसी भी ईडीसी मेंबर को जाइए, वो आप मुझे वो आपको कनेक्ट कर देगा. इज इट मोर प्रोबेबल दैट अ स्टूडेंट हैविंग गुड मार्क्स इन प्रीवियस स्टैंडर्ड गेट्स ईडीपी स्कॉलरशिप फॉर इंस्टीट्यूशंस आफ्टर फुलफिलिंग ऑल नीड्स एंड प्रोसेसेस? यस अमी मधानी, यस आपका नीड इवैल्यूएट होता है, प्लस आपका स्कोर इवैल्यूएट होता है, और ये मेरिट एंड नीड दोनों मिला के आपको एक रैंक दिया जाता है ईडीपी के अंदर. मैं आईएसपी या टीएसपी की बात नहीं कर रहा हूँ, वहां पे तो इंटरव्यू होता है. ईडीपी के अंदर मान लो आपका नीड है, और अगर आपका बेटर रैंक है, आपका बेटर स्कोर है, अगर आपकी स्कूल में थर्ड स्टैंडर्ड में या फोर्थ स्टैंडर्ड में या सेवन स्टैंडर्ड में, डेफिनेटली आपके चांसेस ज्यादा होते हैं. सिंपल सी मार्क्स है गाइज, अगर आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देते हो, आपको इंजीनियरिंग में जाना है, द बेटर द मार्क्स द बेटर द रैंक एंड बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इनटू एन इंजीनियरिंग कॉलेज. इट इज एज सिंपल एज दैट. द स्कोर्स आर ऑसम बट वी आर मिडिल क्लास, द स्कोर्स आर अबव एवरेज बट व्हाट कैन वी मिडिल क्लास डू? द स्कोर्स आर ऑसम. सो रियाज भाई, इफ द स्कोर्स आर ऑसम देन देयर इज नो वरी. आई एम टेलिंग यू टीएसपी आईएसपी आपको मिलेगा. मैंने जैसे ही कहा कि इंटरव्यू लिए जाते हैं, अगर आपका स्कोर्स भी बहुत भी अच्छा है तो भी मैं समझ सकता हूँ कि इंजीनियरिंग की फीस जो है 1-2 लाख है, वो आज ऐसे नहीं है. हमारी फैमिलीज, बहुत सारी फैमिलीज ऐसी नहीं है जो इजीली निकाल सकती है. तो अगर आपकी फैमिली नीडी नहीं है लेकिन आपके स्कोर्स बहुत ही अच्छे हैं, आप IIMA जैसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हो, या आप IIT जैसी कॉलेज में जाके एडमिशन ले रहे हो, डेफिनेटली द इंस्टीट्यूशन विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू. तो अगर आप मेरिटोरियस हैं तो डेफिनेटली हम आपको सपोर्ट करेंगे, हमारा इंस्टीट्यूशन आपको सपोर्ट करेगा. अगर आप मिडिल क्लास हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि आपके ऑप्शंस थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ऑप्शंस कंप्लीटली बंद हो जाएंगे. इफ आई टेक एडमिशन इन NRI मैनेजमेंट कोटा इन फर्स्ट ईयर देन कैन आई गेट TSP स्कॉलरशिप? यस रिया, yes, you if you get into a private college, if you get into a private MBBS university, if you going to get into a management quota, आपको definitely help करते हैं. But आप जैसे मैंने कहा कि interview में आपको सबसे पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि अगर आप management quota में जा रहे हैं तो have you done your homework? Have you thought of your planning कि आप कैसे fund करोगे? मान लो अगर आपको budget, हमारा budget नहीं होता है, मान लो किसी year अगर TSP बंद कर दी जाती है तो आप कैसे manage करोगे? क्या आपने वो प्लानिंग की है कि नहीं की है? सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा. अगर आपने प्लानिंग की है फिर भी आप मैनेजमेंट कोटा में जा रहे हो, देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू सपोर्ट यू एंड वी विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू. ऐसा नहीं है कि हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को या प्राइवेट कोटा वाले को सपोर्ट नहीं करते हैं, बट जैसे कि मैंने बताया, हमारी प्रायोरिटी वो रहेगी जहां पे स्टूडेंट हाईली मेरिटोरियस है और हाईली नीडी है. अब आप इमेजिन करो कि अगर स्टूडेंट हाईली मेरिटोरियस है तो उसको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा, या फिर अगर स्टूडेंट नीडी है और थोड़ा लेस मेरिटोरियस है तो उसको प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा, तो हम उसको सपोर्ट करेंगे. अगर स्टूडेंट फिर भी लेस मेरिटोरियस है तब जाके वो मैनेजमेंट कोटा में जाएगा, राइट? इट्स वेरी सिंपल गाइज, यहाँ पे कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. आप अच्छे स्कोर्स लाओ, आपकी फैमिली को नीड है, कोई भी इंस्टीट्यूशन, आई एम नॉट सेइंग AKDN, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे आएगा आपको सपोर्ट करने के लिए. Students who score 90 plus and are from middle class, what can they do? Sir, EDP में अगर आप needy नहीं हो और अगर आपका scores काफी अच्छा है और अगर आपको needy नहीं है तो आपको scholarship के लिए apply ही क्यों करना है? अगर आप थोड़े needy हो, right? अगर आप थोड़े needy हो और आपका scores अच्छा है, then too अगर आपको आपकी fees पूरी नहीं होती है, then definitely EDP will also help you. ऐसा नहीं है कि हम completely need को ही देखेंगे, हम merit plus need को देखेंगे. Sir, I did my BPC, got 331 marks. Siraj, this is a private question. We can answer that later. Thank you, Shaunak. Okay, thank you so much. This is we are doing seva. I mean, this is my seva. I'm an appointed board member. मैं आज ये आधे घंटे में आपको answer नहीं कर सकता हूँ. तो you can any time catch me. आप मेरे को 12 बजे भी phone करके उठाओगे तो मैं आपको answer करूँगा. ये मेरी responsibility है जो पापा ने मुझे दी है और इंशाल्लाह मैं अपनी responsibility fulfill करूँगा. मैं again कहता हूँ guys, अगर आपका कोई भी question यहाँ पे answer नहीं हुआ है, please reach out to any damn EDC member on earth.
आपको कोई ना कोई EDC मेंबर, LEB मेंबर हम तक कनेक्ट कर देगा। आप ये PPT लेके जाइए, आप एक्सेल फील लेके जाइए, आपको कुछ और क्लैरिटी चीज चाहिए आप हमको पूछिए, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सिट विथ यू एंड डू योर फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर करियर, चाहे वो मास्टर्स हो, इन इंडिया हो, अब्रॉड हो, अंडर ग्रेजुएशन हो, प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो। ओके, आई नीड सम वाटर। देयर इज वन स्कॉलरशिप विच इज माइनॉरिटी स्कॉलरशिप, यू कैन अप्लाई फॉर दिस वन स्कॉलरशिप गवर्नमेंट। यस करीम भाई, गुजरात के लिए देयर इज मोमा स्कॉलरशिप माइनॉरिटी है, मौलाना आजाद इज अ माइनॉरिटी स्कॉलरशिप। मेरे खुद के भाई ने माइनॉरिटी स्कॉलरशिप में अपनी इंजीनियरिंग की आधी फीस वापस निकाल ली थी। देयर आर लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स, द प्रॉब्लम इज के गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स एवरी ईयर चेंज होते रहती है, एंड दैट्स व्हाई ये एक्सेल शीट भी हमको एवरी ईयर अपडेट करना पड़ता है। एंड इसलिए मैंने कहा कि हम लोग ये एक्सेल शीट अभी अपडेट कर रहे हैं, हमारे मेंबर्स अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपके लिए लाने के लिए ट्राई कर रहे हैं। जैसे ही आप ईमेल लिखोगे, इंशाल्लाह एक या दो हफ्ते के अंदर हम आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे देंगे। बट प्लीज डोंट बी डिपेंडेंट ऑन अस, आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर आप अपनी रिसर्च करके आओ, हमारी प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प करे एंड आपका करियर अच्छा हो जाए। एनी मोर एक्सटर्नल स्कॉलरशिप्स? मोटा चश्मा, यस फैंटास्टिक निशान, motachashma.com आप यहाँ पे जा सकते हो, worldscholarshipforum.com, scholarships.government.in, there are lot of options guys, and this is the ID जो मैं बता रहा था, career.esc@gmail.com, career.esc@dgttrust.org, scholarship.esc@dgttrust.org, write an email to us. We will give you the material that we have presented to you. I'm sure Kareem sir will also be very happy to share the information, share the PPT. Any questions that still remains unanswered, please write the question, please talk to us, and we'll be more than happy to answer your questions. Zara, have applied for Madana, have got 25,000. Fantastic. That's why I'm saying, mere bhai ko bhi mila tha, mere ko bhi. Guys, I'm telling you, ek last cheez mere se aap sun lijiye, main bahut hi open keh raha hun. मैंने 16 years of education में मैंने institution की help लेके पढ़ी है। आज मैं TSP scholarship coordinator हूँ, national board member पे। मैंने 12 साल मेरी life की, मेरी family ने EDP scholarship ली है। engineering की 4 साल की scholarship मैंने TSP के through ली है, 50% loan, 50% grant। मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ? I mean I don't think I can answer more than this। मैं खुद एक needy family से belong करता था, मुझे institution ने help किया, and that's why I'm saying, for all those who are meritorious, needy, please come to us. If the institutions cannot help you, the institutions will definitely show you the way where you can get the help. Students who in the Jamaat who wish to study abroad, who should look at other countries, education in the USA is really expensive. It is very expensive. But as I said, आप कनाडा में, आप कोई यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आप कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो, प्लीज आप अपना GRE स्कोर अच्छा लाओ, अपना मेरिट हाई रखो, आपको स्कॉलरशिप वहीं यूनिवर्सिटी से ही मिल जाएगी। आई गॉट एडमिशन इन फूड इंजीनियरिंग फॉर फ्री, बट आई हैव टू पे माय हॉस्टल फीस, कैन आई गो थ्रू TSP? यस, मैंने जैसे कि बताया कि TSP एंड ISP में आपको हॉस्टल फीस भी मिलती है। प्लीज कम टू अस, वील बी मोर देन हैप्पी टू सपोर्ट यू इन केस इफ यू आर नॉट एबल टू हेल्प योरसेल्फ फॉर योर हॉस्टल फीस। इज देयर एनी एजुकेशन लोन्स विदाउट? सॉरी, every loan is charged. TSP and ISP is the minimum interest rate. Ab banks mein jaoge aapko 9% 9% 12% milega. ISP and TSP is the minimum interest that is charged. Okay, thank you so much, Shalasa. I think all the questions are sort of a little repeated now, so we can probably wind up, and we can ask everybody who has another question, we can definitely ask them if you send questions at dgtrust.org. So I'll show the slide now. Thank you so much, Shaunak sir. Thank you so much, Kareem sir. I think it was a brilliant webinar, and we've really learned a lot from it. So Shaunak sir, is there anything else that you'd like to cover except the questions? Oh, I'm done, Saif. As I said, this is not the only forum where we answer questions. You can reach out to any board member, any EDC member, and we'll be more than happy to answer your questions. That is our responsibility. Please reach out to us, guys. All right. Thank you so much, everyone, for joining in. It was a wonderful webinar, and we hope to see you again in the next one. Thank you so much. And this slide will be shown for the next five odd minutes. Thank you so much. Thank you, Saif. Thank you for organizing this. Thank you, everyone. Thanks, Kareem, sir. Thank you so much. And yeah, Yali Madad. Bye-bye. Yali Madad.